हाँ जी बच्चा लोग कैसे हैं आप सब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं हमेशा की तरह है ना तो फिर फटाफट चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास लेकिन क्लास शुरू करने से पहले क्या करना है भाई आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना है फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार ताकि वो लोग भी आके क्लास को ज्वाइन कर सके और क्लास हमारी स्टार्ट हो सके ठीक है जल्दी जल्दी फटाफट से कर दो हम्म और जो बच्चे नए जुड़े हैं आज हमारे साथ उनको क्या करना है उनको आ, चैनल को सब्सक्राइब करना है पड़ोस में क्या है उसका बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्या करना है प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए कि भाई आज क्लास है क्लास स्टार्ट होने वाली है ठीक है तो बचा लोग मैं हूँ विजेता आपकी बायोलॉजी टीचर और हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपने एक चैप्टर के बारे में कौन सा था हमारा चैप्टर तो हमारा चैप्टर था पुष्पी पादपों की आकार की यानी कि हम फ्लास की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे तो अभी तक हम बहुत सारी बात कर चुके हैं फूल के ऊपर ठीक है कि फूल बहुत प्यारे होते हैं इनका क्या रोल है इनकी क्या अहमियत है क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और लाभ 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 ये सारी बातें हम कर चुके थे और बहुत सारी चीजें जानी थी हमने ठीक है तो चलो फटाफट से एक रिकैप लेते हैं कि हमने अब तक क्या देखा था तो हमने बात करी थी पुष्प की संरचना के बारे में ठीक तो पुष्प की संरचना में हमने क्या देखा था हमने देखा था पुष्प की संरचना में कि भाई क्या होता है पुष्प के चार भाग होते हैं ठीक है अगर हम पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प के क्या होते हैं चार भाग होते हैं ठीक है कौन कौन से चार भाग थे भाई एक तो बाह्य दल हो गया है ठीक है बाह्य दल ठीक है दूसरा क्या था दल था फिर क्या था उमंग फिर क्या था जायांग ठीक है अब हमने इन सब के बारे में क्या बात कर ली थी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अब तक तो अगर हम कंप्लीट करने की बात करते हैं तो हमने अभी तक क्या देखा था भाई कि बाह्य दल क्या होते हैं इस तरीके से बाहर हरे रंग की पत्तियां निकली हुई होती हैं ये जो पुष्पासन होता है इसके ऊपर ठीक है ये क्या करते हैं ये जो पुष्प कलिका होती है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं ऐसे ठीक है फिर हमने दल की बात करी थी भाई दल क्या होता है तो हमने कहा था इस तरीके से जो खूबसूरत सा पोर्शन होता है ठीक है क्या कहलाते हैं ये पत्तियां जो होती हैं खूबसूरत सी ये क्या कहलाते हैं दल कहलाते हैं ठीक है थीके? इनका काम क्या होता है कीटों को अपने तरफ आकर्षित करना होता है ठीक है तो ये हो गया हमारा दल फिर हमने बात करी थी पुमंग के बारे में कि हमने पुमंग में क्या देखा था भाई कि इस तरीके से एक संरचना होती है ठीक है क्या होती है ये दो भागों से मिली होती है बनी हुई एक तो भाई तंतु हो गया और ये क्या हो गया पराग कोश ये क्या हो गया पराग कोष ठीक है तो कल हमने इसके बारे में बात करी थी पराग कोष के बारे में मतलब पुवंग के बारे में बात करी थी ठीक है कि भैया क्या होता है कि अगर हम इसका क्या करते हैं ऐसे इस तरीके से इसको अनुप्रत काट करते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है कि ये द्वीपालित है ठीक इस है इसमें दो पालियां हैं और दो पालियों में क्या होते हैं चार कोष्ठ होते हैं ठीक है इस तरीके से ये दो पालियां ऐसे एक पाली और ये दो पाली और यहाँ एक दो तीन चार कोस्ट ठीक है चार कोस्ट है जिसके अंदर क्या होता है लघु बीजाणु धानी होती है ठीक है क्या होता है वो आगे चल के नदी उमक् का निर्माण करती है बहुत आगे चल के जब वहां पर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है ठीक है तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी ठीक है चलो फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं आज हम लेके जाते हैं अपना टॉपिक जायांग यानी जाते हैं आज हम बात करेंगे जायांग जो है ये मादा भाग है एक फूल का ठीक है तो हम आज मादा भाग के बारे में जानेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लेते दे हैं कि भाई हमने आज क्या देखना है हम बात करेंगे जायांग के बारे में विजान्यास के बारे में और फल के बारे में बात करेंगे ठीक चलो आगे बढ़ जाते हैं लो भाई पुष्प की मादा संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो कौन सी होती है आ जाओ ये रही। तो जो मादा संरचना होती है इसको हम जायांग कहते हैं ठीक है थीके? जायांग यानी कि गायनोशियम ठीक है गायनोशियम अब ये जो जायांग है ये क्या है ये जो स्त्री केसर होता है उसका समूह होता है ठीक है अगर बहुत सारे हैं अगर बहुत सारे क्या है स्त्री केसर ठीक है बहुत सारे स्त्री केसर मिलके क्या बनाते हैं जायांग बनाते हैं स्त्री केसर को क्या बोलते हैं पिस्टल बोलते हैं ठीक है ये वाली पिस्टल मत सोच लेना ठीक है ये दूसरा पिस्टल है हम्म तो जब ये पिस्टल एक होगा जब एक होता है तो ये पिस्टल कहलाता है ठीक है और जब ये स्त्री केसर का समूह होता है ग्रुप होता है तो वो जायांग कहलाता है क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है लगता नहीं है कि डाउट होना चाहिए और डाउट है तो क्या करना है आप सभी को डाउट नट करना है क्योंकि यही मिलेंगे हम डाउट नट पे आपको ठीक है चलो इसी बात पे आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं इसके भाग को ठीक बने रहना कहीं नहीं जाना जब तक मैं यहाँ डायग्राम बना रही हूँ कॉपी पेंसिल लेके बैठो ताकि आपको समझने में आसानी हो चलो देखो अगर हम इसके भाग की बात करते हैं भाई तो इस तरीके से ये ऐसे होता है ठीक है इस तरीके से ये क्या है ये वाला जो पोर्शन है ठीक है ये वाला पोर्शन यहाँ ऐसे निकल के आ रहा है चलो इसको बनाते हैं और समझते हैं कि क्या समझे भाई कि ये जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये क्या होता है वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र वर्ति काग्र जिसको हम क्या बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है देखो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में क्या है ये पूरा एकदम डिटेल में दिया हुआ है ठीक है नर और मादा भाग दोनों तो यहां पर थोड़ा थोड़ा समझोगे तब आगे ट्वेल्थ क्लास में समझने में आप सभी को आसानी होगी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर यहां पर आप समझ गए तो कि भाई ये जो मादा भाग है ये तीन भागों से मिलकर बना होता है ठीक है क्या है ये मादा भाग तीन भागों से मिलकर बना होता है से मिलकर बनता है ठीक है कौन से हैं वो तीन भाग तो अगर मैं उन तीन भागों की बात करती हूँ तो भाई सबसे पहले हमारे पास आता है वर्तिकाग्र ठीक है वर्तिकाग्र आ गया दूसरा आ गया वर्तिका ठीक है और तीसरा क्या आ गया अंडाशय ठीक है अंडाशय हो गया हमारा ओवरी ठीक है वर्तिका हो गया स्टाइल और ये क्या हो गया स्टिग्मा ठीक है तो भाई पहला भाग हमने क्या बोल दिया वर्तिकाग्र हमारा ये आ गया ठीक अब हमने बोला कि भाई वर्तिका कौन सा है तो ये जो पतला सा भाग होता है, ये होता है 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 ये ठीक जिसको हमने क्या बोला है? स्टाइल बोला ठीक है लड़कियां क्या होती हैं भाई बहुत स्लिम स्लिम रहना पसंद करती हैं ठीक है थीके? स्टाइल के लिए तो देखो बिल्कुल नाम ऐसे ही रखा गया है स्टाइल पतली सी बिल्कुल है एकदम ठीक है इसका नाम स्टिग्मा क्यों है क्यों भाई क्योंकि स्टिक क्यूँकिमा मतलब किसी चीज को वहां पे चिपकाना स्टिक करना ठीक है चिपक चिपक चिप, क्या चिपकी हुई सतह होती है यहाँ पर ठीक है ये जो सतह होती है ये बहुत चिपकी चिपकी होती है अगर कभी आप फूल के ऊपर छू के देखोगे वहां क्या होते हैं कुछ पाउडर पाउडर सा होता है जो कभी आप फूल के ऊपर यहाँ पर हाथ लगाओगे ना तो क्या होगा वो पीला पीला आपके हाथ में आ जाता है ठीक है आगे अभी बताऊंगी कि सब चीजें क्या है लेकिन फिलहाल अभी आप इसको समझो ठीक फिर ये तीसरा भाग जो है हमारा ये क्या है अंडाशय ठीक है ये क्या है अंडाशय जिसको क्या बोलते हैं हम ओवरी अब इस अंडाशय के अंदर एक और संरचना पाई जाती है कैसी होती है कुछ इस तरीके से होती है ऐसे करके ठीक है कुछ इस तरीके से होती है जिसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम बीजांड यानी कि

ठीक है चलो आगे समझते हैं अब अगर मैं इनके जो रोल है ठीक है इनके जो रोल की बात करती हूँ इनके क्या काम है तो अगर मैं वर्तिकाग्र की बात करती हूँ तो भाई यहाँ क्या होता है मैंने क्या बोला ये चिपचिपासा होता है इसका मेन जो पर्पस है चिपचिपा होने का वो ये है कि कहीं से जो है क्या परागकण उड़ के अगर आ जाते हैं कि, किसी कीट की वजह से आ जाते हैं किसी पक्षी की वजह से आ जाते हैं तो वो यहाँ आकर चिपक जाए ठीक है, वो यहाँ आके चिपक जाए अब चिपकेंगे तभी तो वो यहाँ जाएंगे ना, इस तरीके से पहुंचेंगे कहा पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो पर चिप परागकण आ जाए और यहाँ चिपक जाए ठीक फिर क्या करता है जब परागकण यहाँ चिपक जाते हैं ना आके तो यहाँ पर एक पतली से नलिका बनाने का काम करता है जहां पर ये जो जगह कहलाएगी वर्तिका ठीक है जहां पर इसकी हेल्प करती है इतना पार्ट बनाने के लिए ठीक है? है, 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 है बेसिकली ये पुष्प में क्या बोलते हैं नली का जैसे किसी चीज का निर्माण करता है ये कह सकते हैं फिर अगर हम अंडाशय की बात करते हैं तो अंडाशय क्या कर रहा है भाई आपका अंडाशय क्या, क्या करता है Hmm, कैसे इसको लिख देते हैं कि भाई कि अगर पुष्प में क्या है निषेचन की क्रिया हो रही है ठीक है पुष्प में अगर निषेचन हो रहा है निषेचन की क्रिया हो रही है तो ये जो गोल वाला भाग है ये जो गोल वाला भाग है ये आगे चल के किस में बदल जाएगा फल में बदल जाएगा ठीक है और जो उसके अंदर वाला भाग है वो किस में बीज में बदल जाएगा तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं देखो इस तरीके से कहाँ बना दो यही कि देखो ये है ये इसके अंदर बीज है तो ये जो क्या है ये ये अंडाशय है फल का ठीक है जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है वो ये है अंडाशय ठीक और ये अंदर क्या है ये ये बीज है ठीक है ये जो ये जो अंदर वाला भाग है वो बीज बन जाता है और जो ये वाला भाग है वो अंडाशय बन जाता है ठीक है क्लियर यहाँ तक हम्म मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होना चाहिए जल्दी जल्दी बता दो अगर क्लियर है तो हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं ठीक है फटाफट से बता दो और अप दिखा दो ठीक है ताकि मैं क्लास को क्या कर सकूं भाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ा सके हाँ जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से जल्दी 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 चलो 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 आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओके चलो अगर हम जायांग की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई बुक के हिसाब से ये क्या कहना चाहते हैं ठीक है तो ये लाइनें हमसे क्या बोल रही हैं ये लाइन हमसे कह रही है कि जो जायांग होता है वो फूल का मादा जनन भाग होता है ठीक है वो क्या होता है मादा जनन भाग होता है कलर चेंज कर लेते हैं पहले अब अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा है ना तो ये क्या होता है कि भाई मादा जनन अंग होता है ये किसी भी फूल का ठीक है ये क्या होता है ये एक हो सकता है या एक से अधिक अंडप से मिलकर बनता है एक हो गया या एक से अधिक हो गया, ठीक है के के तीन, तीन तीन, 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 तीन। के तीन भाग भाग होते होते हैं, हैं, वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय ये देखो ये क्या हुआ वर्तिका है ना वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशय वन टू ठीक है तो तीन चीजें ये हो गई चलो उसके बाद ठीक है चलो फिर क्या होता है भाई है का जो आधारी भाग होता है ठीक है वो फूला हुआ होता है ठीक है आधारी मतलब जो उसका आधार है वो फूला हुआ होता है जिस पर एक लंबी नली होती है जिसे वर्तिका कहते हैं देखो ये क्या है ये इसका आधारी भाग है ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ ये क्या है इसका आधारी भाग है ठीक है जिसके ऊपर एक लंबी सी नली है ठीक है ये नली क्या कहलाती है वर्तिका कहलाती है ठीक है ये क्या है वर्तिकाग्र है ठीक है और ये क्या है हमारा अंडाशय ठीक है तो ये तीन चीजें आ गई हैं ओके चलो ठीक है इसको मान लेते हैं वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है वर्तिकाग्र पर प्राय वर्तिका की चोटी पर होता है ठीक है परागकण को ग्रहण करने का काम करता है ठीक है हर एक अंडाशय में एक अथवा अधिक बीजांड होते हैं जो चप्पे होते हैं गद्देदार गिजाणासन से जुड़े हुए रहते हैं ओके जो हम अभी तक पिछली स्लाइड पे बातें कर रहे थे ना ये सब वही लिखी है ठीक है जब एक से अधिक अंडप होते हैं जब एक से ज्यादा होते हैं तब ये मुक्त हो सकते हैं यानी कि फ्री हो सकते हैं जैसे कि गुलाब और कमल में होता है इन्हें व्युक्तानपी यानी कि एपोकार्पस कहते हैं ठीक जब अंडब जुड़े हुए होते हैं जैसे मटर और टमाटर तब इन्हें युक्तानपी कहते हैं यानी कि सिंकार्पस कहते हैं निषेचन के बाद बीजांड तथा अंडाशय फल में बदल जाते हैं ठीक है किस में बदलता है बीज में बदल जाता है और अंडाशय में फल में बदल जाता है चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हाँ कहा, कहा, कहा नहीं 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 यहां पे देखते हैं चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई अगर हम अंडप की बात कर रहे हैं अगर हम अंडप की बात कर रहे हैं तो भाई हम जानते हैं कि एक से अधिक होते हैं ठीक है एक से अधिक होते हैं अंडप की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बोला ये दो प्रकार के होते हैं ठीक है देखो अच्छे से समझ लेना बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि पहला वाला क्या है ठीक है जिसको हमने एपोकार्पस बोला और दूसरा क्या है युक्तांडपी, जिसको हमने सिनकार्पस बोला ठीक है तो ये दो टाइप के हैं ठीक अगर हम युक्तांडपी की बात करते हैं ठीक है तो देखो इसमें क्या होता है एक डायग्राम से समझो कि ये क्या है ये फूल का है ठीक है किसी पुष्प का भाग है यहां पर अगर इस तरीके से क्या है ये क्या मौजूद है ये पुष्प का भाग हो गया ठीक है पुष्प भाग तो हमने क्या बोला था कि देखो कहा गया जो अंडप है वो जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो उन्हें भी बोलेंगे ठीक है लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि क्या है भाई तो गए मुक्त की बात कर रहे हैं हम तो यहां क्या है ये मुक्त है देखो ये मुक्त है अलग अलग है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं चलो लिख के बता देते हैं यहां पर हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा हो पहली बात कि एक से ज्यादा हो ठीक है लेकिन अलग हो पृथक हो अलग अलग ठीक है या कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैं, ठीक है या फिर कह सकते हैं कि स्वतंत्र हैं। तो जो ऐसी कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी वियुक्त मतलब अलग वियुक्त मतलब अलग अगर हम युक्तानपी की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि भाई जहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं ठीक है जहां पर ये जुड़े हुए रहते हैं तो यहां पर क्या है अगर हम बोले तो यहां पर क्या है कि ये किसी पुष्प का भाग है ये कैसे हैं ये जुड़े हुए हैं ठीक है ये जुड़े हुए हैं है। तो यहां पर कैसे होंगे ये जब जुड़े हुए हैं तो तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई कि यहां पर क्या है अंडप जुड़े हुए जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएंगे ये पे युक्त मतलब साथ में तो और ंडुक्त मतलब अलग इन चीजों को समझ लेना ठीक है मतलब अलग और युक्त मतलब एक साथ ओके तो ये जो है हमने यहाँ पर अभी समझ लिया है चलो आगे बढ़ते हैं अब बिजाड़ न्यास की बात करते हैं कि भाई बीजाण न्यास क्या है तो भाई अंडाशय में क्या होता है बीजांड के लगे रहने का जो क्रम होता है उसको बिजाण न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन कहते हैं ठीक है थीके? यास यानी कि प्लेसेंटेशन कहते हैं किसे कहते हैं कि भाई अंडाशय में बीजांड कैसे लगा हुआ है कैसे वहां रह रहा है उसको हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे ठीक अब ये जो बिजान है ये सीमांत तरीके का होता है स्तंभीय है भित्तीय है आधारी है केंद्रीय है मुक्त स्तंभीय प्रकार का है ठीक है चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले कि देखो चलो समझते हैं हमने पहले क्या बात करी कि भाई पहले प्रकार का क्या होता है सबसे पहला प्रकार क्या है हमारा हाँ सीमांत बिजाड न्यास पहला है सीमांत बिजांड न्यास ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन मार्जिनल ठीक है जिसको बोला जाता है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम मटर को लेते हैं ठीक है मटर को लेते हैं यहां पे क्या होता है जो बीज होते हैं यहाँ अगर हम बीज की बात करते हैं तो वो बिल्कुल क्या है एक सीधी लाइन में लगे हुए होते हैं ठीक है बिल्कुल सीधी लाइन में सीधी लाइन में होते हैं ठीक है ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन में है ना ये है ना बिल्कुल सीधी लाइन में लगे हुए होते हैं ठीक है वही अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा जो है हमारा दूसरा कौन सा आता है फटाफट से कमेंट में बता दो है दूसरा क्या आता है स्तंभ आता है दूसरा क्या है स्तंभ जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल बोलते हैं है तो यहां पर हम एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं टमाटर का ले सकते हैं नींबू का ले सकते हैं टमाटर हो गया नींबू हो गया ठीक है तो ये क्या हो गए एग्जाम्पल हो गए यहां पर क्या होता है अलग अलग कोस्ट होते हैं ये देखो यहाँ पर क्या है ये अलग अलग कोस्ट है ठीक है यहाँ क्या होता है अलग अलग कोष्ट होते हैं ठीक है, अलग -अलग कोष्ट हैं, है? अलग -अलग कोष्ट हैं, और इन कोस्ट में क्या होता है बीज होते हैं इन कोस्ट में क्या होता है इन कोस्ट के अंदर बीज होता है यहां देख रहे हो आप जैसे कि ये अलग अलग कोष्ठ है और कोष्ट के अंदर बीज है अगर टमाटर को नींबू को आप काटोगे तो ऐसे ही तो दिखाई देगा है ना तो ये है फिर अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो फिर हमारे पास आता है है तीसरा आ गया हमारे पास भित्ती है ठीक है तो भित्ति क्या हो गया पेराइटल ठीक है भित्तीय क्या हो गया पेराइटल हो गया हमारे पास ओके ठीक है तो पेराइटल में क्या होता है भाई पेराइटल की थोड़ा सा चलो ऊपर लिख लेते हैं बहुत नीचे हो रहा है ये फिर बोलोगे मैम सबसे नीचे वाला तो नजर ही नहीं आ रहा है ठीक है तो तीसरा कौन सा आ गया हमारे पास है ठीक है जिसको हमने क्या बोला पेराइटल बोला तो पेराइटल में क्या होता है पैराइटल में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सरसों का ठीक है एग्जाम्पल लेंगे हम सरसों का सरसों में क्या होता है कि देखा होगा आपने कि कोष्ट होते हैं ठीक है इसमें भी क्या होंगे कोष्ट होंगे ठीक है होंगे और जो बीजांड है वो कहाँ होगा यहाँ पर जो बीजांड है वो कहाँ है भाई वो अंडाशय की भित्ति पर अंडाशय की जो भित्ति होती है उस पर ठीक है कहा है अंडाशय की भित्ति पर ओके ये देखो यहां दिख रहे हैं आपको हाँ यहां जो है इस, किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्या है अंडाशय की भित्ती के ऊपर है ठीक है चलो फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या मुक्त स्तंभी है अब मुक्त को आप समझ सकते हो ठीक है मुक्त स्तंभी है अब मुक्त का मतलब क्या है भाई फ्री ठीक है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन ठीक है किस में देखने को मिलेगा आपको ये हाँ फटाफट से कमेंट में बता दो ठीक है तो देखो मुक्त स्तंभीय ठीक है थीके? जो बीजान्यास होता है इसको हम क्या बोलते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलते हैं ठीक है यहां पर क्या होता है भाई यहां पर इस बीजान्यास में कोई भी कोष्ठ नहीं होता है ठीक है यहाँ पर देखो आपको कोई भी कोष्ट नजर नहीं आ रहा है कोई भी कोष्ट नहीं होता है ठीक है नहीं होता है लेकिन बीजांड क्या होते हैं अगर हम बीजांड की बात करते हैं लेकिन जो बीजांड है वो मध्य में होते हैं ठीक है बीजांड क्या है देखो मध्य में है यहाँ पर ठीक है बीजाण मध्य में होते हैं ठीक फिर हमारे पास एक और आता है कौन सा कलर उठाए चलो इस और व्हाइट उठा लेते हैं फिर हमारे पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं भाई आधारी, आधारी बीजांड न्यास बीजांड न्यास ठीक है तो यहां क्या होता है अगर हम यहां आधारे बीजांड न्यास की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है अंडाशय जो होता है अंडाशय में क्या होता है एक ही बीज होता है बीज होता है अंडाशय में क्या है एक ही बीज है यहां अगर नीचे नजर नहीं आ रहा है तो देखो इसको मैं बता देती हूं कि इस तरीके से ये इसका डायग्राम है ये अंडाशय है और यहां पर सिर्फ एक ही बीज है ठीक है क्योंकि मुझे लगता है सबसे नीचे वाला ये आपको नहीं दिख रहा होगा ठीक से सबसे नीचे वाला जो यहाँ पे बना हुआ है ठीक है तो उसको मैंने यहाँ पे बना दिया है कि एक ही तरीके का बीज है लेकिन ये आपको क्या है पीडीएफ में बिल्कुल सही तरीके से दिख जाएगा ठीक है तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक है उसको जाके ज्वाइन कर लेना है तभी आपको पीडीएफ मिलेगा ठीक है और फिर उसको क्या करना है नोट्स बना लेना अपनी कॉपी में एज इट इज उतार लेना है यकीन मानो एग्जाम के टाइम पे बहुत मदद मिलेगी उसे पढ़ने में ठीक है तो कंफ्यूजन कहीं नहीं रखना है पीडीएफ का लिंक है जाओ और चैनल को क्या कर लो ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ आपको टाइम टाइम टू मिल सके चलो ये इतना आगे बढ़ते हैं हाँ हमें ये पढ़ना था ना पहले अभी तक हमने इसके प्रकार देख लिए हैं ये सारे प्रकार हमने पढ़ लिए हैं उसके बाद ये क्या बोल रहा है भाई कि अगर हम सीमांत की बात कर रहे हैं सीमांत में जो भी जान, भी जान जो है है के आधार पर होता ठीक है आधार सीवन के साथ साथ कटक बनाता है और बीजान कटक पर मौजूद रहते हैं जो दो कतारें बनती हैं जैसे कि मटर में होता है ठीक है इस तरीके से देखो मटर ऐसे ही तो होती है ऐसे है ना है ना चलो फिर जब बीजान बीजांडासन अक्षीय होता है और बीजांड में क्या है बहु कोष्ठ की अंडाशय पर लगे रहते हैं तब क्या होता है ऐसा स्तंभी ये कहलाता है जैसे कि आप गुड़हल टमाटर और नींबू में देख सकते हैं हम्म चलो हम्म ठीक है चलो बाकी मैं आपको ऑलरेडी सब समझा ही चुकी हूं है ना अब बात करते हैं हम भाई फल की अगर हम फल की बात करते हैं तो जो फल होता है जो फल होता है तीन प्रकार का होता है तो फल की कैटेगरी में तीन चीजें आती हैं सबसे पहले आता है सत्य फल जिसको हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं ट्रू फ्रूट्स ठीक है दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास असत्य फल असत्य जिनको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं ठीक है फॉल्स फ्रूट फिर इसके बाद एक और हमारे पास शब्द आता है जिसको हम कहते हैं फलन ठीक है जिसको हमने क्या बोला अनिशेक फलन बोला ठीक है चलो अब यहां पर सत्य फल से यह मत समझ लेना भाई कि क्या सत्य फल से ये मत समझना कि ये जो फल है ये सच बोलते हैं ठीक है थीके? या फिर जो क्या बोलते हैं उसको जो ये जो असत्य वाले हैं ये ये झूठ बोलते हैं ऐसा बिल्कुल मत समझना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगर हम सत्य फल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या सीन आता है यहाँ पर जो किसका फल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर जो फल निर्माण हो रहा है ठीक है वो कैसे हो रहा है किसी भी एक पादप में जब निषेचन की क्रिया होती है पादप में क्या हुआ निषेचन हुआ ठीक है निषेचन की क्रिया हुई निषेचन क्रिया हुई तो वहां पर जो अंडाशय था ठीक है ये जो अंडाशय था ये फल में बदल गया या बदल जाता है ठीक है ये फल ने बदल जाता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं फलों को हम ऐसे फलों को हम क्या बोल देते हैं भाई सत्य फल और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ हमारे पास आम ठीक है इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास आम हो गया है ओके ठीक है अब कौन सा कलर उठाते हैं इस बार चलो रेड उठा लेते हैं अब अगर असत्य फल की बात करते हैं कि असत्य फल क्या होते हैं तो असत्य फल की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि यहां पर जो फल फल बन रहे हैं या का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है वो अंडाशय से ना होकर यहाँ पर अंडा से नहीं होता है अंडा से नहीं होता है कहाँ से होता है बल्कि कहा से हो रहा है पुष्पासन ठीक है जो क्या है अन्य भाग ठीक है यहां से निर्माण हो रहा है निर्माण होगा या फिर ठीक है अंडाशय से नहीं होगा कहां होगा भाई पुष्पासन से जो कि क्या है अन्य भाग होता है वहां से उसका निर्माण हो रहा है तो अगर हम इसका एग्जाम्पल को समझे तो हम इसका एग्जाम्पल किसमें देख सकते हैं हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं अम... किस में बताओ हैं भाई सेब में ठीक है सेब में देख सकते हो स्ट्रॉबेरी में देख सकते हो है ना अब क्या होता है कि भाई अनिशेक जनन एक और चीज आती है हमारे पास अनिशेक फलन अनिषेक जनन नहीं अनिषेक फलन की बात कर रहे हैं तो यहां पर अनिषेक फलन में क्या होता है कि बिना निषेचन के ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जा बिना निषेचन के क्या हो रहा है फल का निर्माण फल का निर्माण हो रहा है ठीक है फल का निर्माण हो रहा है बिना निशेचन की क्रिया के ठीक है तो ये क्या हुआ अनिशेक फलन हुआ ठीक है? ये तीनों चीजें मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है कि भाई सत्य फल असत्य फल और अनिशेक फलन सत्य फल में ये नहीं कि सच बोलता है नहीं भाई कोई फल जो है वो सच कहते हैं ना कि हाँ क्या बोलते हैं सब्र करो सब्र का फल मीठा होता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो फल मीठा हुआ तो वो सत्य बोल रहा है खट्टा हुआ तो वो असत्य बोल रहा है और कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं फलन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल मत सोचना ठीक है पर सिर्फ इनको नाम दिए गए हैं इस तरीके से कि ये क्या काम कर रहे हैं कि सत्य फल में क्या है भाई जो अंडाशय है वो किस में बदल जा रहा है फल में बदल जा रहा है ठीक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद असत्य में क्या हो रहा है कि भाई अंडाशय से ना बनके वो फल किससे बन रहा है उसके दूसरे किसी भाग से बन रहा है और अगर हम इसकी बात करते हैं अनिशेक फलन की बात करते हैं तो यहाँ पे बिना निशेचन के ही फल का निर्माण हो रहा है इतनी सी बात ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो फल क्या होता है पुष्पी पादपों का एक प्रमुख अभिलक्षण है कि भाई जो भी पुष्पी पादप होंगे वो क्या करेंगे फल बनाने का काम करते हैं ठीक है थीके? ये उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि आप पहचान सकते हो हम्म अब एक परिपक्व अंडाशय होता है ठीक है जो निषेचन के बाद क्या होता है विकसित होता है जो परिपक्व अंडाशय है वो निषेचन के बाद विकसित हो जाता है ठीक है ठीके? अब यदि बिना निषेचन के विकसित होता है तो उसे अनिशेक अनिशेक कहते अनिशेक फल कहते हैं ठीक है बिना निषेचन अनिशेक अनिशेक फलन कहते हैं ठीक है हम्म अनिशेक फलन कहते हैं प्राय फल एक भित्ति अथवा फल भित्ति भित्ति होती है, है? ठीक फल अथवा हो सकती है जो फल होती है वो गुदेदार भी होती है जिसमें बहुत सारा गुदा के बहुत सारे फलों में खाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होती है वो सूखी होती है ठीक है हम्म अब जब फलभित्ती क्या है मोटी होगी तो वहां पे इसका मतलब है कि भाई वहां पे वो मतलब जब जब फल फलभित्ती मोटी और गूदेदार होती है तब उसमें क्या होता है बाहरी भित्ती मौजूद होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बाह्य फल भित्ती बोलते हैं कब होगी जब फल फलभित क्या है? है मोटी है और गूदेदार है तब उसको क्या बोलेंगे हम बाह्य फल भित्ती बोलेंगे ठीक है अब मध्य में एक मध्य फल भित्ती भी होती है और अंदर की ओर एक और भित्ती होती है जिसे अंत फलभित्ती बोला जाता है तीन तरीके के इसमें फलभित्ती हो गई है चलो समझ लेते हैं क्या है हम्म तो इसको समझने से पहले ये समझो भाई कि हमने क्या बोला कि ये क्या है ये संरचना है ठीक है ये एक संरचना है ठीक है हमें पता है कि इसके तीनों भाग कौन कौन से हैं एक भाग दो भाग और तीन भाग ठीक है पहला क्या है वर्तिकाग्र ठीक है पहला क्या है वर्तिकाग्र दूसरा क्या है वर्तिका और तीसरा क्या है अंडाशय हमने ये बात करी ठीक है कि ये तीनों चीजें हमको मालूम है ठीक है अब ये अंडाशय क्या है ये अंडाशय ठीक है कैसे दूसरा कलर उठाते हैं चलो अंडाशय है क्या हो गया ये अंदर का भाग हो गया अब ये जो बाहर क्या है ये अंडाशय के बाहर क्या होती है हमने बोला एक भित्ती होती है ठीक है अंडाशय के बाहर एक भित्ती होती है ठीक है जिस भित्ती को हम क्या कहते हैं फल भित्ति, फल भित्ती कहते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है ये फल भित्ति है ठीक है उसके बाहर की जो भित्ती है वो क्या होती है फल भित्ती में परिवर्तित हो जाती है अब अगर हम इस फल भित्ती की बात करते हैं फल भित्ती की बात करते हैं अगर हम तो ये क्या है भाई फल भित्ती क्या पढ़ा अभी हमने तीन तरह के की होती है ठीक है पहली क्या है भाई बाह्य फल भित्ती बाहे भित्ति ठीक है दूसरी क्या पड़ी हमने मध्य फल भित्ती मध्य फल भित्ती ठीक है दूसरी ये हो गई और तीसरी क्या पढ़ी हमने अंत फल भित्ती ठीक है अंत ये तीन चीजें हमने बात करी ठीक है अब अगर हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आप इसे कैसे समझोगे हम एग्जाम्पल लेते हैं चलो आम और नारियल का ठीक है तो मैं यहां पे फल फलभित्तियां लिख देती हूं कि भाई चलो तीन फल फलभित्ती ठीक है ये होगी आपका बाह्य फल भित्ती ठीक है फिर यहाँ आ गया मध्य फल भित्ति और यहाँ आ गया आपका अंत फल भित्ति ठीक है तो ये तीन चीजें हमारे पास आ गई अब अगर हम इस आम की बात करते हैं तो आम का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है ठीक है सबसे बाहर वाले पोर्शन की बात करते हैं वो क्या कहलाता है भित्ति कहलाता है ठीक है वो क्या कहलाता है भित्ति वहीं अगर नारियल की बात करते हैं भाई तो नारियल में ये बाहर की भित्ती नहीं होती है ठीक है नहीं होती है ओके ठीक है चलो अब अगर, अगर मध्य फल की बात करते हैं तो भाई आम में क्या होता है जो बीज का गूदेदार वाला भाग होता है ठीक है गूदेदार वाला भाग जो हम खाते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं वो क्या होता है गूदेदार ठीक है गूदेदार भाग जो होता है वो क्या होता है इसका मध्य फल होता है ठीक है वही अगर हम नारियल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जो तंतुमय भाग है यानी कि कठोर वाला ठीक है कठोर भाग वो क्या है उसका मध्य भाग है कठोर वाला भाग क्या है उसका मध्य भाग है अब वही इसकी अंत फल यानी कि सबसे अंदर की बात करते हैं तो क्या है भाई आ, कौन सा रेड ले, ले लेते हैं चलो नहीं व्हाइट उठाते हैं इस बार ठीक है तो ये क्या है जो कठोर भाग होता है उसका ठीक है कठोर भाग कौन सा जो पथरीला टाइप का होता है ना कैसा पथरीला ठीक है वो क्या है उसका अंत फल है ठीक और वही इसका नारियल की बात करें तो जो सफेद वाला भाग होता है ठीक है सफेद वाला भाग ठीक है वो क्या है जिसे हम खाते हैं खाने वाला ठीक है तो ये क्या है इसका अंत फल तो यहाँ पर देखो ये तीनों चीजें मैंने आपको यहां पर समझा दी है डाउट मत रखना किसी भी चीज को लेके बहुत अच्छे से यहाँ पे समझा दिया गया है इसको ठीक है चलो आगे बढ़े चलो ये हमने पढ़ लिया है चलो देखो अभी यहां समझो देखो कि आम तथा नारियल में फल के प्रकार को ड्रॉप कहते हैं ठीक है ड्रॉप कहते हैं ये फल एकांड भी उद्वर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं और इनमें एक बीज होता है अरे रहे। बीज होता है, ओके आम में फलभित बाह्य फल भित्ती होती है गुदेदार एवं खाने योग्य मध्य फल भित्ती होती है और जो भीतरी कठोर पथरीली होती है वो अंत फलभित्ती कहलाती है ठीक है जो कि सुस्पष्ट यानी कि बहुत क्लियरली आम के अंदर ये तीनों चीजें आप देख सकते हो नेक्स्ट टाइम जब भी आम खाओगे इन चीजों को याद जरूर करना ठीक है फिर नारियल में मध्य भित्ति क्या होती है तंतुमय होती है ठीक है जो हम ये बात कर चुके हैं ठीक चलो आगे बढ़ते हैं ये देखो ये क्या है दे रखा है देखो कि ये बाह्य भित्ती है है ना दूसरा कलर लेते हैं इसको दिखाने के लिए कि ये क्या है देखो बाह्य भित्ती है ठीक है ये क्या है अंत भित्ती है ये बीज है ये मध्य फल भित्ती है बिल्कुल इसी तरीके से ये देखो अंत फल भित्ती ये क्या है मध्य फल भित्ती ठीक है ये आपकी बुक में दिया हुआ है आराम से इसको देख के समझ सकते हो हम्म हु? ये स्ट्रक्चर हमने देखा था किसका था ये जायांग का था जो मादा भाग होती है उसके बारे में हमने बात करी थी हमने कहा था यहाँ पे क्या होता है ये वर्तिकाग्र होता है वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा हो गया ठीक है फिर हमने बोला था ये वर्तिका है वर्तिका का मतलब स्टाइल हो गया फिर हमने बोला था ये अंडाशय है है ना? अंडाशय यानी कि क्या हुआ ये ओवरी फिर यहाँ पर एक बात आई थी कि इस अंडाशय के अंदर एक और संरचना पाई जाती है ठीक है कैसी होती है वो कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है ठीक है इस संरचना का नाम क्या है इसका नाम है भाई क्या नाम है जल्दी से कमेंट में बताओ कि इस संरचना का नाम क्या है जिसको भी मालूम है फटाफट फड़ से बता दो क्या है? वरना मार लगेगी सबकी ठीक है तो ये संरचना थी बीजांड ठीक है ये क्या संरचना थी हमारी बीजांड थी जो आगे चल के क्या होता है भाई अगर हम आगे चलने की बात करते हैं तो आगे चल के ये जो अंडाशय होता है ये फल में बदलता है ठीक है ये फल में बदलता है और ये जो बीजांड होता है ये बीज में भीम लिख दिया है बताओ छोटा भीम याद दिया आ रहा है, है तो ये बीज में बदल जाता है ठीक है अंडाशय में बदला फल में और बीजांड किस में बदला बीज में क्लियर यहां तक हाँ अरे बाप रे कहा चला गया ये तो यहां पर मैं इस तरीके से लिख देती हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बिल्कुल भी ना भूलें कि भाई जो अंडाशय होता है निशेचन के बाद निशेचन के बाद कि अगर हम बात करते हैं तो जो अंडाशय है ठीक है ये अंडाशय में बदल रहा है फल में ठीक है और अगर हम बीजांड की बात करते हैं ये जो बीजांड है ये बीज में फिर बीम लिख दिया है मैंने ठीक है ये किस में बदल रहा है ये बदल रहा है बीज में ठीक है तो हम किसकी बात करेंगे अल्टीमेटली आज हम इसी बीज के बारे में पढ़ेंगे ठीक है इसी बीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये जो अंडाशे फल में बदला था इसके बारे में हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान में रखना है चलो अगर हम ये जो बीजांड है इसको इस को अगर हम बाहर लेकर आते हैं नेक्स्ट पेज पे अच्छा सा सुंदर सा बनाते हैं बहुत अच्छे से देखिएगा डायग्राम ठीक है और चाहो तो आप अच्छे से इसे बनाने की प्रैक्टिस करो क्योंकि ये चैप्टर जो है ये डायग्राम जो मैं बनाने जा रही हूँ अभी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन जब आप ट्वेल्थ में आके क्या पढ़ोगे पुष्पी पादपों में जनन की बात करोगे ठीक है तो वहां पर ये बहुत सारा बहुत बड़े भाग में है ठीक है अगर आप चाहो इसके बारे में तो ट्वेल्थ क्लास का जो चैप्टर है उसको ट्वेल्थ क्लास में जाके उस लिंक को ओपन करके देख सकते हो कितने अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है अगर आप चाहते हो कि और अच्छे से समझो ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी क्लास के हिसाब से ही समझाया जाएगा अगर आप चाहते हो और ज्यादा नॉलेज मिले इसके बारे में ट्वेल्थ क्लास का लिंक खोलो वह आपको मिल जाएगा ठीक है चलो तो यहां पर हम बनाते हैं कि भाई ये कुछ इस तरीके से एक संरचना है ठीक है देखो समझो इसको कैसे बना रही हूं मैं ठीक है समझना है अच्छे तरीके से बिल्कुल कि ये कैसे बन रहा है ऐसे ऐसे ठीक है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है अगर हम यहां पर नाम की बात करते हैं यहां पर हम नामों को देखते हैं तो भाई जो बीजांड होता है ना ये दो आवरण से बनता है मैं साथ में लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको समझ में आए हम्म यहाँ तो चलो सारे नाम लिख देंगे यहाँ लिख देती हूँ अगर मैं बीजांड की बात करती हूँ तो बीजांड जो है दो आवरणों से बना होता है ठीक है कौन कौन से आवरण होते हैं तो भाई पहला आवरण और दूसरा आवरण पहले आवरण का नाम क्या आ गया हमारा पहला आवरण हमारा हम्म रेड कलर से लिख देते हैं पहला आवरण हमारा आ गया है क्या होगा अध्यावरण ठीक ये हो गया हमारा पहला दूसरे की बात करें तो अंत बोल लो या फिर आंतरिक बोल लो अंत अध्यावरण ठीक है तो ये क्या हो गया हमारा ये दूसरा आवरण आ गया इसका हमारे पास ठीक है चलो इसके बाद हम यही दोनों चीजें जो है कहा वो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ है दोनों क्या आपको नजर आ रहे हैं कि ये दोनों जो नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो यहाँ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे जल्दी से बता दो किसको मालूम है ठीक है फटाफट से फटाफट से बता दो किसको मालूम है कि ये दोनों नाम हमें कहा देखने मिलेंगे मालूम है किसी को है चलो ठीक है जिनको मालूम है वेल एंड गुड जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर दो आवरण है मैं नंबर डाल देती हूँ ठीक है नंबर से आपको याद रहेगा वन और टू तो ये रहा यानी कि एक तो ये वाला आवरण हो गया है हमारा लो इस तरीके से वन डाल देती हूँ ठीक है एक ये वाला आवरण है हमारा टू डाल देती हूँ ठीक तो ये वाला जो नंबर वन है नंबर वन क्या है बा है आवरण बा है अध्यावरण सॉरी आ जाओ आ जाओ आ जाओ अध्यावरण ठीक है और दूसरा क्या बताया अंत अंत अध्यावरण चलो ये दो चीज हमने यहां पर सीख ली ठीक है अब अगर मैं इसके बाद की बात करती हूँ इसके बाद की बात करती हूँ कि भाई क्या बात करनी है हुँ? इसके बाद हम क्या बात करेंगे इसके बाद अगर मैं देखूं कि भाई यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर क्या है ये आवरण मौजूद नहीं है ठीक है आवरण मौजूद नहीं है तो वो कौन सी जगह है वो ये जगह है ठीक है इसको हमने क्या बोला इसको बोलेंगे हम बीजांड द्वार ठीक है जो नंबर तीन हो गया हमारा ठीक है नंबर तीन यानी कि बीजांड द्वार और ठीक है चलो ये बीजांड द्वार हो गया इस बीजांड द्वार जो है इसको क्या बोलते हैं माइक्रोबाइल भी बोलते हैं ठीक इसके बाद अगर हम बात करें इसके बिल्कुल अपोजिट में एक खाली जगह है ठीक है ये वो ये वो जगह है जहां पर देखो ये आवरण नहीं है ठीक है ये वो जगह है जहां पर आवरण नहीं है ठीक है क्योंकि ये आवरण पूरा यहां तक आ रहा है ये आवरण पूरा यहां तक आ रहा है यही पे आवरण नहीं है इसका नाम है द्वार, द्वार ठीक? अब इस बीजान के बिल्कुल अपोजिट में यहां पर ये जो जगह है ये खाली जगह है ठीक है ये क्या है खाली जगह है जिसको हम नंबर चार डाल रहे हैं तो बीजाण द्वार के बिल्कुल अपोजिट में क्या होता है इसके अपोजिट में होता है बिल्कुल निभाग ठीक है निभाग निभाग अब देखो निभाग है मतलब नी भाग नी मतलब नहीं भाग मतलब हिस्सा कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए इसका नाम है निभाग ठीक है चलो ये समझ गए हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या बात करें भाई इसके बाद hmm, अच्छा हाँ अब ये ये वाला अगर हिस्से की हम बात करते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है ये वाला हिस्सा देखो हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है ये देखो ये कहाँ जुड़ा है हमारा अंडाशय से जुड़ा हुआ है ये वाला हिस्सा है ना यहां देख रहे हो ना ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है ठीक है तो ये वाला जो हिस्सा अंडाशय से जुड़ा है इसको अगर मैं नाम फिफ्थ ठीक है तो इसको अगर नाम देंगे तो ये क्या होगा बीजांड न्यास ठीक है बीजांड न्यास ठीक है ये हमारा पांचवा हिस्सा हो गया अब इस बीजांड न्यास के ऊपर छोटी सी एक संरचना पाई जाती है कुछ इस तरीके से ऐसे करके ठीक है ये एक संरचना पाई जाती है इस संरचना का नाम क्या है इसको देते हैं हम नंबर ठीक है इस संरचना का नाम क्या है ये कहलाता है भाई नाभिक क्या कहलाया ये नाभिक कहलाया ठीक है चलो अब ये सब तो हो गया लेकिन ये जो बीच में यहां बच गया हमारा नंबर सात ये जो नंबर सात बज गया है ये क्या है ये कहलाता है बीजांड काय ठीक है थीके? क्या कहलाएगा ये हमारा बीजांड काय कहलाएगा ठीक है तो ये हमारा हो गया है पूरा एक स्ट्रक्चर ठीक है किसका स्ट्रक्चर है ये इसका बीजांड का ठीक है हम क्योंकि बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं ना तो ये जो है पूरा ये जो अंडाशय के अंदर ये जो बीजांड पाया जाता है ठीक है जो बाद में किस किस में बदल जाता है बाद में ये बदल, जा, बदल जाता है बीज में ठीक है तो ये क्या है हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी संरचना के बाद हमको बीज के बारे में पढ़ना है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं मतलब इसी संरचना के बारे में और जानते हैं ठीक अब यहां पर क्या होता है कि भाई हम बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है भ्रूण का निर्माण होता है हम ये जानते हैं ठीक चलो कौन सा कलर उठाए कौन सा चलो ग्रीन उठा लेते हैं ठीक है चलो अब अब हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या हो रहा है भ्रूण का निर्माण हो रहा है लेकिन भ्रूण का निर्माण वो भी यहाँ पर कैसे क्योंकि हमने तो ये पढ़ा था कि भैया क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होता है भ्रूण होता है इसके अंदर हमने ये बात करी है हमें ये मालूम है ठीक है लेकिन यहाँ पर भ्रूण का निर्माण कैसे तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई आपकी क्लास के हिसाब से ही समझते हैं बस थोड़ा सा ज्यादा नहीं समझेंगे ठीक है जितना आपके बुक में बताया गया है अभी फिलहाल उतना ही समझेंगे हम्म तो यहां पर क्या होता है यहां पर होती है कोशिकाएं ठीक है थीके? यहां पर होती है कोशिकाएं कैसी होती है कोशिकाएं अगर मैं कोशिकाओं की बात करती हूं ठीक है अगर मैं कोशिकाओं की बात करती हूं तो भाई सात कोशिका होती है सात कोशिका है और आठ केंद्रक हैं यहां पर ठीक है और ये दोनों मिलके क्या कहलाता है ये दोनों मिलके कहलाता है भ्रूण पोष ठीक है भ्रूण पोष कहलाता है ये दोनों मिलके। तो ये देखते हैं कि चलो ये कोशिकाएं हमको कहां पे मिलेंगी ये हमको मिलेंगी भाई एक दो और तीन तीन कोशिका यहां मिल गई क्योंकि हमारे पास सात कोशिका है एक दो तीन उफ अभी भी एक कोशिका रह गई है तो कोई मुझे बताएगा कि वो एक कोशिका कहाँ आएगी ठीक है और अगर सात कोशिका आ जाएंगी तो आठ केंद्र ये तो बहुत ही नाइंसाफी है ना सात कोशिका और आठ केंद्र केंद्रक कैसे भाई कैसे तो चलो इसको भी समझते हैं कि भाई यहां पर तीन यहां पर तीन और बीच में इस तरीके से एक तो ये क्या हो गई हमारी सात कोशिका हो गई है ठीक है लेकिन 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 इसकी बात अगर आती है भाई केंद्रक की बात आती है तो केंद्रक को अगर हम जाने तो भैया एक केंद्रक दो केंद्रक तीन चार पांच उपस, फिर से छे दो केंद्रक तो अभी भी रह रहे क्योंकि यहाँ पर आठ है तो कितने केंद्रक होंगे यहाँ पर तो भाई ये दोनों केंद्रक एक यहां मिलेगा हमको और एक यहाँ मिले अरे आ जा आजा। क्या नाराजगी है ठीक है तो दो केंद्रक हमको यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगे करेक्ट बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ कि सात कोशिकीय और आठ केंद्र की संरचना इसके अंदर मिलती है जिससे कि भ्रूण बनेगा ठीक है ये नहीं होगा तो भ्रूण भी नहीं बनेगा याद रखना है बिल्कुल हमको तो भाई यहाँ पे एक बात जान लो कि बीजांड में क्या होता है हमें मालूम है कि बीजांड बीज में बदल रहा है ठीक है और जो भ्रूण के अंदर की संरचना होती है वो कहां से आती है हम यहां पर ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस भ्रूण के अंदर की संरचना है वो कहां से आती है तो फिर भाई यहाँ पर जो नीचे तीन कोशिका है ना यहाँ जो नीचे तीन कोशिका है इन तीनों कोशिका में से एक कोशिका कौन सी ये वाली कोशिका देखो इसको रेड कलर से मैं बना देती हूँ ये वाली कोशिका जो होती है ये ही क्या करती है निर्माण करती है और इस कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं भाई साहब ये जो कोशिका होती है ये क्या क्या कौन सी कोशिका कहलाती है ये जल्दी बताओ किसको मालूम है ये ये कहलाती है अंड कोशिका अंड कोशिका ठीक है ये या फिर इसको हम एग सेल बोलते हैं एग सेल ठीक है तो ये किसका निर्माण करती है ये होती है हमारी अंड कोशिका ठीक है यानी कि क्या एग और ठीक है और ये क्या है सहयोगी होती है सहयोगी कोशिका ठीक है तो फिर अरे इसके बाद तो जगह ही नहीं बची तो इसको समझाया कैसे जाए तो एक पेज जोड़ लेते हैं चलो ठीक है और समझते हैं कि भाई इसका रोल क्या है ये ये है अंड कोशिका ये दोनों है सहयोगी कोशिका ठीक है जो क्या कर रही है इसकी मदद कर रही है सहयोगी है चलो फिर एक काम करते हैं एक पेज जोड़ लेते हैं इसमें चलो एक पेज जोड़ते हैं ठीक है इस पेज की बात कर रहे हैं तो करंट स्लाइड पे आ जाते हैं हम चलो अब जब बात आती है परागण की ठीक है अगर जब परागण की बात आती है मतलब कि जब निषेचन की बात आ रही है जहां पर क्या हो रहा है पराग जहां पर क्या हो रहा है भाई परागण की क्रिया हो रही है परागण क्रिया यानी कि कहीं से जो कण है वो उड़कर आ गए हैं ठीक है थीके? क्या हो गए हैं पराग कण जो है वो उड़ के आ गए हैं मतलब क्या कि वो जो मादा भाग है उसके वर्तिका पे आ गए हैं कहाँ आ गए हैं कहाँ पर आ गए हैं वर्तिका पे आ गए हैं ठीक है वर्तिकाग्र सॉरी वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर आ गए हैं और वहां पर आके क्या हो गए हैं चिपक गए हैं तब यहां जब ये पे पहुंचते हैं ध्यान से समझना है बिल्कुल ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रही हूं कंफ्यूजन बिल्कुल, बिल्कुल नहीं रखना है यहां पर आके क्या होता है यहां पर विभाजन होता है यहां पर विभाजन होता है ठीक है ठीक है जी यहां पर लो विभाजन हो गया है ठीक है विभाजन हो गया है तो भाई यहां पर क्या है दो कोशिकाएं बनती हैं। यहां पर दो कोशिका बनती हैं, पहली होती है कायिक कोशिका ठीक और दूसरी हो गई जनन कोशिका जनन कोशिका ये दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया यहां पर ठीक है दो कोशिकाएं यहाँ पे बन गई हैं। तो अब क्या होगा कि भाई अब यहाँ पर जो नलिका का निर्माण होगा वो होगा कायिक कोशिका की वजह से ये जो कायिक कोशिका है ये क्या करेगी नलिका का निर्माण करेगी ठीक है कहाँ पर निर्माण करेगी ये जो है ये देखो यहाँ पर यहाँ पर एक नलिका का निर्माण हो जाएगा ठीक है चलो ये स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखा देती हूँ कि बार बार वरना आप बोलोगे पेज बदलना पड़ रहा है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ठीक है अगर मैं कह रही हूं कि कायिक कोशिका का निर्माण हो रहा है वो नलिका ये बन रही है ठीक है ये नलिका यहां से यहां जाएगी ठीक है यहां से यहां जाएगी जो नलिका बनेगी ठीक है इसका एक कोशिका की वजह से क्या बन रही है इसकी वजह से यहां पर नलिका का, का निर्माण हो रहा है ठीक है क्या हो रहा है नलिका का, का निर्माण हो रहा है ठीक है और दूसरी बात कि ये जो जनन कोशिका है इस जनन कोशिका से क्या हो रहा है दो नर युग्मक, दो नर युग्मक का निर्माण ठीक है जनन से ही समझ लो ना कि वो रिप्रोडक्शन का काम कर रही है ठीक है और कायिक क्या होता है वेजिटेटिव यानी कि ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बना रहा होगा जनन का मतलब हो गया जहां पर रिप्रोडक्शन का कुछ काम हो रहा होगा तो यहां पर दो नर युग्मक बन गए और कायिक कोशिका से नलिका बन गई ठीक है चलो ठीक है इतना समझ में आ गया फिर क्या हुआ यहाँ जो ये दो नर युग्मक बनेंगे ये दोनों ही कैसे होंगे अगुणित होंगे ठीक है अगुणित होंगे यानी कि एन ये दोनों क्या है अगुणित होंगे ठीक है चलो ठीक है ये भी समझ में आ गया अब भाई साहब क्या होगा कि कौन सा कलर उठाए चलो ब्लू उठा लेते हैं ये जो दो नर युग्मक है ये क्या करेंगे अब ये क्या करेंगे कोशिश करेंगे भाई बीजांड के अंदर जाने की ठीक है ये कोशिश कर रहे हैं बीजांड के अंदर जाने की ये देखो एक एक चीज इसलिए लिख रही हूँ ताकि भाई जब आपको नोट्स मिले आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो कि यहाँ पर हमने किया क्या है ये जो फ्लो चार्ट बन रहा है ना यकीन मानना एक बार जब इसको पढ़ लोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये प्रोसेस चल क्या रहा है अभी ये बता रही हूं फिर से एक बार समझाऊंगी पूरे इस फ्लो चार्ट को अभी इसको इतना जान लो कि ये इम्पोर्टेंट लाइन हैं आपको इसको समझना है ये लो स्टार मार्क कर देते हैं हम्म ये प्रोसेस याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में निषेचन की यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वहां पे क्या होता है ठीक है तो ये बिजाण्ड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं ठीक है थीके? और जो है ये दोनों क्या करते हैं नरयुगमक कौन सा कलर कौन सा चलो रेड उठाते हैं और ये जो दोनों युग्मक हैं ये इस नलिका की हेल्प से ठीक है इस नलिका की हेल्प से क्या कर रहे हैं यहाँ नीचे पहुंच रहे हैं ठीक है थीके? ये जो नलिका बनी है कायिक कोशिका से ये जो नलिका बनी है कायिक कोशिका से ये दोनों युग्मक इसकी मदद से इस नलिका की मदद से यहाँ अंदर बीजान द्वार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो ये देखो बिजान द्वार के अंदर जाने की कोशिश करेंगे किसकी मदद से नलिका की मदद से नलिका की मदद से ये बना ही रास्ता इसलिए है जो नलिका बनी है बनी ही इसीलिए है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है जब हम बात यहाँ पर अब निषेचन की करेंगे ठीक है यहां पर बात हम जब निशेचन की कर रहे हैं यहां पर जब हम बात निषेचन की कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं यहां पर कि ये दोनों क्या है अंदर आते हैं और भ्रूण पोष में घुस जाते हैं क्या है कि ये क्या हुए अंदर आ गए और कहा अंदर आके भ्रूण पोष भ्रूण पोष ठीक है भ्रूण पोष में क्या हुए घुस जाते हैं घुस जाते हैं ठीक है ठीक है लो जी ये अंदर आके भ्रूण पोष में घुस गए हैं अब यहाँ पर बात करी थी हमने कि भाई दो नर युग्मक युग्मक बने हैं दो नर ठीक है क्या बोला हमने दो नर युग्मक बने हैं तो अगर हम पहले वाले नर युग्मक की बात करते हैं ठीक है यहाँ पर पहले वाले नर युग्मक की बात करते हैं अच्छा देखो मैंने एक डायग्राम एक और बताती हूँ कहाँ बनाए कहा बनाए चलो यहाँ बना देती हूँ कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था एक दो तीन कोशिका ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ठीक है ये स्ट्रक्चर हमने बनाया था ठीक है यही बनाया था हमने हम्म, यहां पर हमने क्या बोला था कि ये ये जो दोनों है ये दोनों ये सहायक कोशिका है ठीक है ये क्या है सहायक कोशिका याद रखना बिल्कुल इनका नाम ये है सहायक कोशिका ठीक है सहायक और ये वाली जो थी ये क्या थी ये क्या थी हमारी अंड कोशिका ये थी हमारी अंड कोशिका या फिर एग सेल लो इसको लाल कलर से दिखा देते हैं ठीक है ये जो रेड कलर से हमने जिसको दिखाया है यही हमारी मेन हीरोइन है इसका याद रखना सारा काम जो है इसी का है क्योंकि पिक्चरों में क्या होता है भाई सारा काम मेन हीरोइन का होता है तो यहाँ पर हमारी जो हीरोइन है ये पूरी पिक्चर इसी के ऊपर बेस्ड है आज की हमारी ठीक है तो इसका मेन काम है भाई अंड कोशिका यानी कि एक्स एल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये जो हीरोइन है हमारी इसको याद रखना है दूसरा इसका जो नाम है वो याद रखना है ये नाम है ध्रुवीय कोशिका ठीक है क्योंकि ये ध्रुव में है बीच में ध्रुवीय कोशिका द्वितीय कोशिका भी कहते हैं इसको ठीक है द्व्यिक कोशिका भी कहते हैं इसको और ये कैसी होती है ये हमारी द्विगुणित होती है यानी कि 2n हो गई है कैसी है ये द्विगुणित है और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर भ्रूण पोष भ्रूण पोष कहलाता है ठीक है ये पूरा स्ट्रक्चर भ्रूण पोष है तभी मैंने कहा कि जो नलिका की मदद से कहा भ्रूण पोष में घुस रहे हैं ठीक है थीके? ये नलिका यहां से ये आई और ये क्या है हमारा भ्रूण पोष भ्रूण पोष है ये ठीक है तो इस नलिका की मदद से जो नर युग्मक है इस भ्रूण पोष में घुस रहे हैं और ऐसे यहां पर ये यह स्ट्रक्चर है इसके बीच में ठीक है तो अगर बात हम यहां पर इस पहले नर युग्मक की कर रहे हैं क्योंकि यहां पर दो नर युग्मक बने हैं ना तो अगर हम पहले नर युग्मक की बात करते हैं तो पहला नर युग्मक क्या करेगा देखो जो पहला नर युग्मक है पहला नर युग्मक युग्मक अरे युगम लिख रही हूं मैं युगमक जो पहला नर युग्मक है वो क्या करेगा वो जाके किसके साथ मिल जाएगा पहला नर युग्मक किसके साथ संलियत हो जाएगा ये जो यहां पर अंड कोशिका है ये यह यहां घुसेगा देखो यहां समझाती हूँ ये ये अंड कोशिका ये वाली है ना ये वाली अंड कोशिका है तो पहला नरयुगमक क्या करेगा इस अंड कोशिका के साथ जाके संलियत हो जाएगा ठीक है जो अंड कोशिका है अंड कोशिका इसके साथ क्या हो जाएगा संलयन हो जाएगा इसका ठीक है क्या होगा संलयन ठीक है संलयन हो जाएगा इसके साथ ठीक है और कौन सी संरचना बनाएगा ये टू एन -यान बनाएगा यानी कि द्विगुणित बनाएगा ठीक है टू एन संरचना और इस संरचना को क्या बोला हमने युग मनज बोला यानी कि जायगोट ठीक है क्या बोला हमने इसको जायोड बोला क्लियर यहां तक सबको और यही जायगोड क्या होगा आगे चल के क्या बनाएगा भैया ये नए पादप का निर्माण करेगा जब ये भ्रूण बन जाएगा क्लियर ठीक है ये क्या करेगा नए पादप का निर्माण करेगा आगे चल के चलो अब दूसरे नर युग्मक की बात कर लेते हैं तो भाई अगर मैं दूसरे नर युग्मक की बात करती हूं जो दूसरा नर युग्मक है वो किसके साथ जाके संलयित हो जाएगा दूसरा नरयुगमक यहां से इस तरीके से नलिका से होते 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 यहां जाएगा और ये जो ध्रुवीय कोशिका है इसके साथ जाके संलयित हो जाएगा ठीक है कहा जाएगा भैया ध्रुवीय कोशिका के साथ जाके ध्रुवीय कोशिका के साथ इसका क्या हो जाएगा संलयन हो जाएगा संलयन संलयन हो जाएगा और क्या बना देगा ये थ्री एन स्ट्रक्चर बनाएगा थ्री एन संरचना बनाएगा क्योंकि भाई ये जो द्विगुणित संरचना थी हमारे, इसमें ऑलरेडी क्या है दो केंद्रक मौजूद है और एक अगुणित संरचना है ठीक है तो कितनी हो गई त्री यानी कि तीन ये क्या कहलाएगी भाई ये कहलाएगी हमारी त्री क्या कहलाएगी जल्दी बताओ इसका नाम क्या होगा त्रिगुणित ठीक है थ्री गुणित ये क्या हो जाएंगे त्रिगुणित हो जाएंगे ठीक है त्रिगुणित संरचना हो जाएगी ये ठीक है जो क्या होती है ये भ्रूण पोष होती है भ्रूणपोषी भ्रूण पोष ठीक है ये क्या काम करता है भ्रूण पोषा काम करता है और इसी के आधार पे क्या होता है हमें पता चलता है जो भ्रूण पोष होता है ये जो त्रिगुणित संरचना होती है इसी के आधार पे हमें पता चलता है कि जो बीज है वो क्या है एक बीज पत्री है या पत्री है। तो बना दिया ना? बना दिया। जो था, उसी के आधार पे पता चलेगा हमको कि भाई ये एक बीज पत्री है या दुई बीज पत्री है क्लियर यहाँ तक बड़ी मेहनत लगी है समझाने में मना मत कर देना कि नहीं समझ में आया है इतने अच्छे से तो कोई भी नहीं बताएगा आपको लिख लिख कर ठीक है तो इस पेज को अच्छे से समझ लेना ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं उम्मीद तो करती हूँ कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और कहीं भी गलती नहीं करोगे हम्म चलो आगे बढ़ते हैं चलो अब बीज को जान लेते हैं हम्म तो बीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो निषेचन के बाद बीजाण से बीज बन जाते हैं ठीक है हमने बता दिया है बीज प्राय एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है ठीक है भ्रूण में एक मूलांकुर होता है भ्रूण ये अक्ष होता है एक अथवा दो बीज पत्र एक कब जब गेहूं या मक्का है और दो कब जब चना या मटर है तब होते हैं बीज पत्र ठीक चलो ओके यहां तो कुछ नहीं था ऐसा यहां पर सिर्फ इतनी सी बात है कि भैया बीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि भाई बीज से क्या है क्या बन बीजांड से बीज बनता है जो हमने देख लिया है एक बीज पत्र और दो बीज पत्र होते हैं किसके आधार पर होते हैं हमने ये भी बात कर ली है कि भाई इसी की वजह से पता चलता है ठीक है चलो यहाँ भी कुछ नहीं है आगे बढ़ो भाई चलो अब हम बात करते हैं द्वि बीज पत्र की ठीक है द्वि बीज पत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बीज की बाहरी परत जो होती है उसको हम बीजावरण कहते हैं बीज आवरण ठीक है यानी कि बीज का बीज का आवरण ठीक है क्या है बीज का आवरण है ये ठीक चलो अब बीजावरण की दो सतह होती हैं, ठीक है थीके? बाहरी को बीज चोल कहते हैं और भीतरी को टेगमेन कहते हैं चलो इसको भी समझ लो आप कि ये है क्या चलो फिर समझ लेते हैं इसको भी देरी किस चीज की है, है ना यहां समझा देते हैं चलो ठीक है अब मैंने क्या बोला था मैं डायग्राम बना के फिर से समझाती हूँ देखो यहाँ पर कि ये इस तरीके से एक संरचना थी ठीक है ऐसे करके अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बीजावरण होता है यानी कि इसका जो आवरण है इसकी क्या है हमने बोला कि इसकी क्या है दो सतह है बीज चोल बाहरी और भीतरी टेगमेन ठीक है तो भाई अगर मैं बोलूं कि ये वाली जो संरचना है ये बाहरी है ठीक है ये क्या है बाहरी है ठीक है बाहरी बोल लो या बाहे बोल लो ठीक है ये है और जो दूसरी है दूसरी क्या है ये है ये क्या है ये आंतरिक बोलो चाहे इसको आंतरिक बोल लो ठीक है अंत बोल लो ठीक है या फिर क्या बोल लो इसको अम्... भीतरी ठीक है कुछ भी बोल लो तो ये क्या है दो आवरण है इसके हमने यही अभी बात करी है तो भैया इसके अनुसार क्या हो रहा है कि ये जो बाहरी है यानी कि जो बाह्य क्या है आवरण है ये क्या कहलाता है ये कहलाता है क्या, क्या कहलाता है ये ये क्या करता है भाई ये कहला क्या कहलाता है ये कहा गया इस बीज चोल ठीक है क्या कहलाया ये बीज चोल कहलाया ठीक है ये कहलाया बीज क् चोल ठीक है और ये जो अंदर वाला है ये अंदर वाला भीतरी जो है ये टेगमेन कहलाया ठीक है ये क्या कहलाया टेगमेन ठीक है क्या कहलाया टेगमेन या फिर अंत चोल भी बोल सकते हो इसको या फिर अंत चोल भी बोल सकते हैं इसको देखो, कुछ भी आ जाए ना ये कुछ भी आ जाए इनमें से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है ये सारी चीजें क्या है एक ही अंत चोल आंतरिक अंत भीतरी टेगमेन ये सारी चीजें एक हैं ठीक है थीके? अब ये जो है हमारा ये इसको बाहे चोल बोलते हैं या बीजचोल चोल बोल लो इसको बाह्य चोल भी बोल सकते हैं या फिर इसको बीज चोल भी बोल सकते हो ठीक है तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है ओके चलो अब यहां पर क्या होता है निषेचन के बाद जो क्या बोलते हैं निषेचन के बाद क्या होता है भाई जो बीज के ऊपर आवरण बनता है ठीक है जो बीज के ऊपर निशेचन के बाद बीज के ऊपर जो आवरण बना ठीक है बीज के ऊपर जो आवरण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बीज चोल या बाहे चोल ठीक है निषेचन के बाद बीज के ऊपर जो आवरण बन गया उसको हमने बीज चोल बोल दिया या बाहे चोल बोल दिया ठीक है चलो एक मिनट कहा गया हा 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 हाँ, एक मिनट हाँ ठीक है चलो ठीक है ठीक है है ना चलो ठीक है ओके यहाँ तक क्लियर ना सारी चीजें है ना चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं ठीक है बीज पर एक चिन्ह होता है च, आ, बीच के अक्ष पर एक चिन्ह चिन्ह की तरह उदर्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा हुआ होता है बीज जो है फल से जुड़ा हुआ होता है ठीक है इसे नाभिका कहते हैं नाभिका भी समझाया था नाभिका कहाँ है भाई देखो कहा समझाया था नाभिका ये नाभिक ठीक है हर एक बीच में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है ठीक है जिसे बीजान द्वार कहते हैं ठीक है थीके? ये भी मैंने वहां बताया था बीजावरण हटाने के बाद आप बीज पत्रों के बीच भ्रूण को देख सकते हैं भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष और दो गुदेदार बीज पत्र होते हैं बीज पत्रों में भोज्य पदार्थ संचित रहता है ठीक है ये सारी चीजें एक द्वी बीज पत्री बीज की संरचना में आती है ठीक है ये द्वी बीज पत्री की संरचना है ठीक है इसमें क्या होता है इसमें बोला कि भाई बीज पत्रों के बीच में इस तरीके से यहाँ एक भ्रूण की संरचना इस तरीके से मौजूद होती है ऐसे यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर भ्रूण को आप आसानी से देख सकते हैं ठीक है इसमें क्या होता है भ्रूण में एक भ्रूणी अक्ष होता है ठीक है और दो गूजेदार गुदेदार बीज पत्र होते हैं और इसमें क्या होता है बीज पत्रों में जो भोज्य पदार्थ होता है जिससे पोषण मिलता है वो क्या होता है संचित होता है स्टोर होता है ठीक है चलो ये देखो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो ठीक है कि भाई ये क्या है एक बीज पत्री की बात हो रही है यहाँ दुई बीज पत्री की बात हो रही है ठीक है अगर इसको देखें तो ये क्या है देखो ये मूलांकुर भाग है और ये क्या है प्रांकुर भाग है यानी कि बीज का नीचे का भाग जो जड़ बनाता है और ये क्या बनाता है ऊपर का जो प्ररोह तंत्र होता है ठीक है प्ररोह भाग बनाता है ठीक है और ये दोनों क्या है देखो बीज पत्र है ठीक और उसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ नाभिका आ गई है ये बीजांड द्वार आ गया है और ये बीजावरण है बाहर ठीक है तो यहाँ पर देखो आप भ्रूण को बहुत आसानी से देख सकते हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं

अरे बाप रे चना तथा यहाँ आना था चना तथा मटर में से भ्रूणपोष में भ्रूणपोष पतला होता है ठीक है इसलिए ये अभ्रूण पोषी है जबकि क्या होता है भाई अरण्य में ये गुदेदार होता है मतलब कि ये भ्रूण पोषी है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं एक बीज पत्री की ठीक है तो ये देखो ये कहता ये क्या है हमारा द्वि बीज पत्री द्वि बीज पत्री ठीक है और ये क्या है एक बीज पत्री ठीक है तो ये दो संरचनाएं हैं हमारी करेक्ट तो अगर हम एक बीज पत्री की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो बीज होता है वो भ्रूण पोषी होते हैं लेकिन उनमें से कुछ क्या होते हैं अभ्रूण पोषी भी होते हैं ठीक है थीके? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑर्किड की बात करते हैं ऑर्किड क्या है फ्लार है ठीक अनाज के बीजों जैसे कि मक्का में बीजावरण झिल्लीदार तथा फल भित्ति से संगलित होता है ठीक है अब जो मक्का है ठीक है अगर आप मक्के को आ, क्या बोलते हैं क्या करते हैं मगर मक्के की बात कर रहे हैं तो मक्का क्या है मक्के को आप आपके बीच में से तोड़ोगे तो क्या दोनों को इक्वल सा नजर आएगा नहीं आएगा ठीक है वही अगर आप मटर है मटर के दाने को तोड़ोगे तो इक्वल भागों में क्या हो जाएगा वो दोनों तरफ एक सा दिखाई देगा और बीच में कुछ क्या होता है कुछ बीज में बीच में आपको छोटे से बीज भी नजर आता है वो बीज क्या होता है वो बीज क्या होता है वो यही होता है ठीक है जो कि क्या होता है अगर आप उसे भिगो के रख दोगे पानी में तो क्या होगा मटर में आप देखो कुछ टाइम बाद उसमें से पेड़ निकलने लग जाता है है ना तो भाई तुम आप सोचो कि उसके बाद भी ये जो भाग है ठीक है बीज है ये कोशिश कर रहा है कि मैं एक पेड़ बना दू एक पादप बना दू ठीक है चलो अब यहाँ क्या होता है एक बीच पत्री में जो भ्रूण पोष है वह स्थल होता है ठीक है और भोजन का संग्रहण करता है भ्रूण पोष की सतह द्वारा अलग होती है जिसे एल्यूरोन सतह कहते हैं हम्म भ्रूण आकार में छोटा होता है यह भ्रूण पोष के एक सिरे पर खांचे में मौजूद होता है ये देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ठीक है आराम से भ्रूण चलो इनमें एक बड़ा तथा एक ढालाकार बीज पत्र होता है ठीक है एक बड़ा और ढालाकार बीज पत्र है यहाँ पर जिसमें जिसे स्कूटेलम कहते हैं जिसको क्या बोला हमने स्कूटेलम अभी देखो जब दोनों में अंतर बताऊंगी तो वहां पर आपको बताऊंगी कि भाई यहां पर क्या चल रहा है ठीक है इसमें एक छोटा अक्ष होता है जिसमें प्रांकुर तथा मूलांकुर होते हैं प्रांकुर तथा तो मूलांकुर एक चादर से ढके हुए होते हैं जिसे क्रमशः प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल कहते हैं हम्म देखो यहां पे समझो यहां समझाती हूँ पहले हम किसकी बात करते हैं एक बीज पत्री एक बीज पत्री बीज की बात करेंगे यहां पर हम यहाँ किसकी करेंगे द्वि बीज पत्री बीज ठीक है इसकी बात करेंगे चलो ठीक है अब इसके अंतर को समझते हैं अब एक बीज पत्र यानी के नाम से ही बता रहा है कि भाई यहां क्या है यहां पर एक बीज पत्र मौजूद है एक बीज पत्र यहाँ पर मौजूद है जिसका नाम हमने क्या पढ़ा अभी अभी जिसका नाम हमने पढ़ा कहा गया स्कूटेलम ठीक है क्या बोला इसको स्कूटेलम यहाँ पर क्या होता है भाई स्कूटेलम स्कूटेलम हाँ स्कूटेलम ठीक है जहां पर क्या है स्कूटेलम है ठीक है इसको नाम दिया गया फिर यहां बात करते हैं तो भाई यहां नाम से पता चल रहा है द्वि मतलब दो यानी कि दो है इसमें बीज पत्र तो यहाँ पर क्या है दो बीज पत्र होते हैं होते हैं ठीक है चलो मान लेते हैं अब अगर हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं ठीक है कि अगर हम समझे कि इसका एग्जाम्पल क्या है यानी कि उदाहरण 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 लेते हैं चलो इसका हम मक्का अगर हम मक्का की बात करते हैं तो जो मक्का है क्या आप उसे तोड़ सकते हो बीच में से हम्म आराम से वो टूटेगा नहीं ऐसे ठीक है मक्का आप सभी ने देखा है और यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें उदाहरण की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो उदाहरण यहाँ पर है भाई अपना चना ठीक है चना चना ले लो या मटर ले लो ठीक है और मटर मैंने अभी समझाया कि अगर ये मटर का बीज है तोड़ेंगे तो इस तरीके से दो बीजों में ये क्या हो जाए विभाजित हो जाता है और यहाँ पर आपको छोटी सी चरी कुछ संरचना भी दिखाई देती है जो पानी में अगर ये पड़े रहेंगे तो क्या होगा भाई बीज बन जाता है है ना चने में भी वैसा ही होता है जो चना होता है काला चना ठीक है तो अब उसे भिगो के रख दोगे तो उसमें से भी पेड़ उगने लगते हैं कहाँ से उगते हैं पेड़ यही से इस तरीके से उगने लगेंगे है ना सफेद सफेद जर्सी फिर आगे चल के क्या होता है वो पत्तियों में बढ़ जाता है घर में एग्जाम्पल करके देखना समझ में आएगा बिल्कुल ठीक चलो उदाहरण भी हो गया चलो हमारा अब 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 क्या देखना है यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर भ्रूणपोष की ठीक है भ्रूण पोष की अगर बात करते हैं तो जो भ्रूण पोष है यहाँ पर वो क्या है भाई शेष रह जाता है शेष रह जाता है ठीक है शेष रह जाता है वही यहां पर भ्रूण पोष कैसा है भ्रूण पोष यहाँ पर अगर हम भ्रूण पोष की बात करते हैं वो अनुपस्थित है अनुपस्थित ठीक है इस भ्रूण पोष का काम क्या होता है भाई पोषण देना होता है ये कहाँ शेष रह जाता है इसकी संरचना में रह जाता है संरचना में शेष रह जाता है चलो देखो एक बार समझो ये क्या है इस तरीके से ये आपका एक बीज पत्र है ठीक है इस एक बीज पत्र में क्या है ये वाला जो भाग है वो आपका क्या है स्कूटेलम स्कूटेलम भाग है ये ठीक है ये क्या करता है ये ये भ्रूण क्या है ये भ्रूण भी है ठीक है स्कूटेलम को हम भ्रूण भी बोलते हैं कि ये भ्रूण भी है ठीक है भाई अब ये जो भ्रूण होता है ये जो भ्रूण है इसमें दो भाग हैं एक प्रांकुर है ठीक है एक क्या है मूलांकुर है ठीक है इस भ्रूण में क्या दो भाग है प्रांकुर और मूलांकुर है अगर हम प्रांकुर की बात करते हैं कहा चलो अगर हम प्रांकुर की बात करते हैं कौन सा कलर उठाया जाए यार चलो अगर इस प्रांकुर की बात करते हैं तो ये रक्षा के लिए क्या काम करता है ये रक्षा के लिए क्या करता है भाई प्रांकुर चोल बनाता है प्रांकुर चोल बनाता है ये रक्षा के लिए बिल्कुल मुलांकुर क्या करता है रक्षा के लिए मुलांकुर चोल बना रहा है ठीक है ये मुलांकुर चोल बना रहा है वही अगर इसकी संरचना में यहां पे देखें तो ये वाला जो भाग है ये वाला भाग क्या है ये वाला भाग क्या कहलाता है बताओ जल्दी से हम्म ये वाला भाग क्या कहलाएगा अपना फटाफट पड़ से बताओ क्या कहलाएगा ये वाला भाग जल्दी 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 किसको मालूम है तो ये वाला भाग आपका भ्रूणपोष है ठीक है क्या है भ्रूणपोष भ्रूणपोष भाग है ये जो क्या होता है छोटा होता है ठीक है जो क्या होता है छोटा होता है ठीक है वही अगर इसकी संरचना बनाते हैं हम छोटा नहीं होता है छोटा नहीं होता है रबड़ कांग गई। जो छूट जाता है ठीक है ये क्या होता है छूट जाता है ये, छूट जाता है, चलो छोड़ो इसको नहीं लिखते यहां पे, ठीक है ये जो भाग होता है छूट जाता है जैसा कि हमने कहां पे पढ़ा था ठीक है हम्म चलो हमने देखो पढ़ लिया ना मुलांकुर चोल और प्रांकुर चोल पढ़ लिया हमने कि रक्षा के लिए होता ही है ये ठीक है अब अगर इसकी संरचना देखें तो मैंने क्या बताया इस तरीके से होती है ठीक है ऐसे और यहाँ पर ऐसे करके ये बीज होता है बीच में ठीक है चलो ये ऐसे हो गया है अब ये वाला क्या है आपका बीज पत्र है ये एक बीज पत्र ये हो गया एक बीज पत्र ये हो गया ठीक है दो बीज पत्र हो गए हैं ये क्या है आपका भ्रूण है ठीक है और यहां पर क्या होता है यहां पर जो भ्रूण पोष है वह पूरा का पूरा यूज हो जाता है यहां पर यह भ्रूण पोष क्या है रह गया ठीक है यहां पर यह भ्रूण पोष रह गया यहां पर जो भ्रूण पोष है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया इसीलिए यहां पर यह अनुपस्थित है और इसीलिए यहां पर यह शेख है क्लियर यहां तक ठीक आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं भाई अब कि हम जानते हैं कि जो नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं अगर अगर हम नर की और मादा की बात करते हैं ठीक है ये दोनों क्या है एक ही पुष्प में है एक ही पुष्प में है ठीक है तो क्या कहलाते हैं ये उभयलिंगी ठीक है या द्विलिंगी ठीक है क्या कहलाएंगे ये द्विलिंगी पुष्प या फिर उभयलिंगी या तो द्विलिंगी बोल दो यानी कि दो लिंग जो है ठीक है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं उभयलिंगी भी बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये दोनों चीजें आ जाएंगी या तो उभयलिंगी या द्विलिंगी ठीक है चलो अब यहां पर हम बात करते हैं कि भाई अगर लिखने के लिए आते हैं कि उभयलिंगी जब हुआ ये तो उभयलिंगी को कैसे लिखोगे आप उभय लिंगी ठीक है अगर पौधा उभयलिंगी है तो इसको कैसे दिखाओगे अगर नर है तो हमें मालूम है नर को हम इस तरीके से दिखाते हैं ठीक है मादा है तो मादा को हम कैसे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं अब ये तो उभयलिंगी है भाई मतलब कि इसमें दोनों के दोनों है नर भी और मादा भी है तो इसका मतलब इसको हम कुछ ऐसे दिखाएंगे करेक्ट ठीक है फिर अगर इसके बाद बात करते हैं बाह्य दल की ठीक है तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाह्य दल को हम कैसे करते हैं ठीक है बाह्य दल इसको किससे दिखाया हमने के से दिखा दिया ठीक है फिर अगर हम दल की बात करते हैं ठीक है ठीके? फिर अगर हम दल की बात करते हैं ये रहा दल तो दल को किससे दिखाया हमने सी से दिखा दिया ठीक चलो ठीक है फिर हम पुमंग की बात करते हैं लो जी पुमंग आ गया तो पुमंग यानी कि ये क्या है पुमंग बोलते है, इसको आप ए से दिखा दोगे फिर जायांग आता है जायांग को आप किससे दिखाते हो भाई गायनेशियम है ना जायांग यानी गाइनेशियम यानी कि इसको जी से दिखा दोगे अब भाई जो ये जायांग होता है ये क्या है अलग अलग पुष्प में अलग अलग होते हैं ये क्या है अलग अलग पुष्प में अलग अलग होते हैं ठीक है तो इसको समझ लो कि भाई चलो ठीक है तीन फूलों में इसको समझते हैं ठीक है लो यहां पे मैंने जगह बना दी है इसको समझाने के लिए ठीक तीन पुष्प बनाते हैं चलो सबसे पहले बनाते हैं ठीक है ये क्या है अरे पत्ती बना रही हूं ये तो मैं ये आपका बाहेदल है ठीक है लो ये क्या हो गया बाहे दल हो गया बाहे दल के ऊपर क्या होता है दल होता है ये, ये आपके खूबसूरत से दो दल हो गए चलो यहाँ पर फिर क्या है यहाँ पर ये क्या है लो नर संरचना आ गई है ठीक और उसके बाद यहाँ पर जो है मादा संरचना यहाँ पर ये क्या है मादा संरचना आ गई है ठीक है एक तो इस तरीके का फूल हो गया दूसरा फूल कैसा हो गया कि भाई ये क्या है लो ये बाह्य दल हो गए हैं ठीक है ये तीसरे के बाह्य दल हो गए हैं अब मैं तीनों एक साथ ही बना रही हूं ये इसके पुष्प हो गए हैं मतलब पुष्प कह रही हूँ दल हो गया है ये इसके दल हो गया है ठीक फिर ये इसका नर भाग है ये इसका नर भाग है ये इसके पुमंग है ये इसके पुमंग है ठीक अब क्या हो रहा है यहाँ पर ये क्या है यहाँ मादा संरचना ये आ गई है यहाँ पर क्या है ये मादा संरचना यहाँ पर आ गई है ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल की तरह तीन फूल मैंने आपको बना के दिखाए हैं मुझे बताओ इन तीनों में क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है जल्दी बताओ कि यहाँ पे कोई आपको अंतर नजर आ रहा है देखो एक एक वन टू थ्री फोर ये चारों के चारों पार्ट इन चारों में दिख रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना है यह बात हम इस जायांग की कर रहे हैं ठीक है हम जायांग को देखेंगे सिर्फ ठीक है बाकी कुछ मत देखो जायांग को देखो देखोगाइनीशियम को देखो कि यहाँ पर हम इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं तो भैया यहां पर देखो यहां पर क्या है जायांग छोटा है यहां पर बड़ा है और यहां पर इन दोनों संरचना के बराबर है ठीक है तो यहां पर ये अंतर है वाकी कोई अंतर नहीं है तो अगर बात हम इस पहले वाले की करते हैं ठीक है तो पहले वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है हमारा जो जायांग है ठीक है ये जो जायांग है ये मादा का जो संरचना है ये क्या है अंदर की तरफ है ठीक है ये अंदर की तरफ है तो ऐसी जो संरचना होती है वो कहलाती है अधि जायांगता ठीक है क्या कहलाएगी ये जायांगता कहलाएगी ठीक है और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं इसको हम जी से ऐसे करते हैं ठीक है कि भैया ये जो ये जो गाइनेशियम है ये नीचे की तरफ है दबा हुआ है ठीक है इसीलिए ये जो बार है ये ऊपर है ठीक चलो अब यहां पर क्या है ये जो मादा संरचना है ये ऊपर की तरफ है बाहर की तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं हम ऐसे को बोलते हैं अधो जायांगता ठीक है इसको बोला हमने अधो जायांगता और इसको कैसे डिनोट करते हैं अब यहां पर जो है देखो हमने देखा था कि जो जी है इसको सप्रेस कर रहे मतलब इसको दबा रहे ये नीचे की तरफ है लेकिन जी यहाँ पर जो है अपने आप को दिखा रहा है ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब यहाँ पर जी इस तरीके से जो बार है नीचे आएगा जी के हम्म फिर लास्ट में क्या है ये सारी के सारी संरचना बराबर है ठीक है ये जो जायांग है ये क्या है इन सारी संरचना के बराबर है ठीक है तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम परी जायांगता ठीक है इसको क्या बोला हमने परी जायांगता बोला और इसको किससे कि भाई जब सब बराबर है तो लो बार भी बराबर में आ गया ठीक है यहां तक क्लियर सबको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है किसी भी तरीके का बहुत अच्छे से बहुत सिंपल से बहुत सीधे साधे शब्दों में समझाया गया है ठीक है क्लियर बिल्कुल है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं भाई एक प्रारूपी पुष्पी पादप का अर्धतिकी विवरण यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी कौन सा कलर उठाए कि भाई इसका जो है पुष्प सूत्र कैसे बनेगा ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले अगर परिदल की बात करते हैं परिदल ठीक है तो परिदल को भाई हमने कैसे डिनोट करना है पी से करना है ठीक है लो जी हमने पी से कर दिया फिर अगर दल लग्न आता है तो देखो नाम से ही पता है कि दल जो है लगे हुए हैं ठीक है दल लग्न क्योंकि इन सब के बेसिस पे भी क्या होता है कि भाई आपको पुष्प सूत्र बनाने में इन सब चीजों की जरूरत होती है तो परिदल होगा तो पी से डिनोट करोगे दल लग्न यानी कि यहां पर क्या है जो पुंकेसर है पुंकेसर है या पुमंग है ठीक है वो किससे लगा हुआ है दल के साथ ठीक है किससे लगा है दल के साथ इसका मतलब आप इसको किससे दिखाओगे इस तरीके से दिखाओगे ठीक है कि भैया दल क्या था हमारा कोरोला था है ना इसको कोरोला बोला हमने कोरोला ठीक है और ये क्या है हमारा एंड्रोशियम एंड्रोशियम ठीक है ये क्या है एंड्रोशियम है हमारा तो यहां पर सी किसके साथ है ए के साथ है तो इस तरीके से इनकी क्या दिखाएंगे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे ऊपर इस तरीके से एक आर्क बना के जैसे आप मैथ्स में बनाते हो आर्क हम्म ठीक है चलो ये समझ में आ गया आपको है ना इसके बाद हम किसकी बात करते हैं भाई अगर हम पुष्प की संरचना देखें कि भाई पुष्प है उसकी संरचना की अगर हम बात करते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा पुष्प की संरचना की बात कर रही है वहां पर अगर हम क्या देखेंगे कि अगर उसको अक्ष से काटते हैं ठीक है उसको किससे कि अगर उसको अक्ष से काटा जा रहा है अक्ष से काटेंगे या काटा जा रहा है तो वो क्या है दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है या डिवाइड हो रहा है ठीक है दो बराबर भागों में क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है ठीक है विभाजित हो रहा है ठीक है तो ऐसो को क्या बोलोगे आप जो दो बराबर भागों में विभाजित हो रहा है एक व्यास ठीक है क्या बोला हमने इसको एक व्यास ठीक है और इसको किससे डिनोट करोगे परसेंटेज के साइन से करेक्ट यहां तक ठीक है पुष्प संरचना में यहां पर ऐसे आ गया ठीक है अब अगर हमें मालूम है अगर क्या है कि भाई यहां पर अलग अलग भागों में कटेगा ये ठीक है अभी तो हमने अक्ष से काटा अब इसको किससे काटेंगे अलग, अलग अलग भागों में अगर इसको हम अलग अलग, अलग भागों में काटते हैं देखो यहां पर इसलिए लिख रही हूं कि भाई आपको जब दोबारा से इसको भी देखो ना ठीक है या पीडीएफ भी देखो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे बिल्कुल समझ में आ जाए कि अच्छा एक एक शब्द कैसे लिखा गया है ठीक है अगर अलग अलग भागों में काटेंगे इसको काटेंगे ठीक है तो क्या होगा भाई ये क्या होगा न, आ, कैसा होगा अगर अगर अलग अलग भागों में काटेंगे तो ये क्या कहलाएगी त्रिज्या सम्मिति ठीक है त्रिज्या सम्मिति और डिनोट कैसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे ठीक है ऐसे करेंगे लेकिन यहां पर आपको क्या याद रखना है कि ये स्वतंत्र है या पृथक है स्वत, आ, स्वतंत्र मतलब कि पृथक और दूसरा क्या शब्द याद रखना है आपको एक तो स्वतंत्र याद रखना है स्वतंत्र अरे क्या लिख रही हूं मैं ठीक है स्वतंत्र ठीक है या इसको बोलेंगे हम पृथक है ठीक है या फिर क्या है कि ये संयुक्त है याद रखना है यहाँ पर आपको दो चीज ठीक है में पुष्प में ठीक है तो अगर हम कहें कि बाह्य दल की बात करें कि वहां पर चार बाह्य दल हैं। चलो यहां पे ही लिख लें क्या पेज कम पर जाएंगे मुझे लगता है हाँ तो अगर हम कहें कि सपोज करो कि बाहे दल कितने हैं है? चार हैं ठीक है ठीके? और ये चारों के चारों क्या है अलग अलग है चारों के चारे क्या है अलग है यानी कि पृथक है ठीक है अलग अलग है तो ये जो स्थिति होगी ये जो क्या है इस स्थिति है ठीक है इस स्थिति को हम देखेंगे और क्या करेंगे लिखेंगे ठीक है इस स्थिति को देखकर ही हम क्या करेंगे लिखेंगे इसके सूत्र को, ठीक है सूत्र को लिखेंगे कि भाई इसमें क्या है कि ये स्वतंत्र है या फिर संयुक्त है ऐसे देख के ठीक है चलो ऐसे देख के लिखेंगे तो भाई क्या आ जाएगा यहां पर हा टू प्लस टू कैसे कि हमने बोला चार है ठीक है तो अगर मैं चलो एक बना के दिखा देती हूं कि लो इस तरीके से ये चार है ठीक है अब चार क्या है दो जुड़े हुए हैं और दो क्या है पृथक है यानी कि दो एक से है दो एक से हैं, तो किस तरीके से लिख सकते हो आप इसको टू प्लस टू में लिख सकते हो कि हाँ भैया लो दो जुड़े हैं और दो क्या है अलग अलग है ठीक है ओके इसको देख के यहाँ पे समझो ठीक है कि मैंने ये बाह्य दल की बात करी है ठीक है कि भाई बाह्य दल की बात करी है यहाँ पे देखो तो अगर हम इसको देखते हैं ये दो क्या है बाहर वाले ठीक है ये दो बाहर है और ये दो क्या है अंदर है, है ना दो बाहर है दो अंदर है तो इसका मतलब हम क्या लिखते कि भाई टू प्लस टू दो बाहर है और दो अंदर है ठीक है ना चलो ठीक है अब अगर मैं दूसरा देखूं कि भाई अब हम क्या बात करते हैं अः अब हम अगर बात कर रहे हैं कि ये सपोज करो कि चार है ठीक है हमने क्या बोला ये चार है और चार क्या है जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं ठीक है थीके? इसका मतलब ये क्या है संयुक्त है क्या है ये संयुक्त है इसका मतलब ठीक है संयुक्त मतलब जुड़े हुए तो इसको आप कैसे लिख दोगे इसको लिखोगे फोर करके ठीक है इस तरीके से ठीक है फोर कैसे कि हम यहां बाह्य दल की बात कर रहे हैं बाह्य दल को हम कैसे डिनोट करते हैं ना ऐसे करके ठीक है चलो यहां तक क्लियर सभी को है ना यहां तक सबको क्लियर हो गया पहले ये बताओ फटाफट से तब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं तब तक मैं यहां पर एक पेज जोड़ लेती हूँ कीप करना है अभी मैं गलती से इसको डिस्कार्ड करने वाली थी लो, एक पेज और जोड़ लेते हैं कभी चाहिए हो तो हम इस पेज पे हैं ठीक है क्लियर सबको बिल्कुल यहां तक डाउट तो नहीं है और डाउट है तो क्या करना है आपको डाउट नट करना है इसका भी ध्यान रखना है ठीक है चलो फिर मुझे लगता है कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं भाई पादप का पुष्प सूत्र ठीक है हम बात करते हैं पादप के पुष्प सूत्र की पादप का पुष्प सूत्र ठीक है अगर हम किसी पादप के पुष्प सूत्र की बात करते हैं तो अगर हम कोई बनाते हैं तो सबसे बाहर क्या आता है बाह्य दल आता है हम्म कि अगर मैं बनाऊं तो ये क्या है ये बाहे दल हो गया ठीक है बाहे दल के बाद क्या आ गया ये दल आ गया इसके बाद ठीक है इसके बाद क्या आता है ये पुमंग आ जाता है ठीक और उसके बाद यहां पर क्या आ जाता है ये मादा का भाग आ जाता है यही आता है है ना यही आता है तो भाई जब हम इस पुष्प सूत्र की बात कर रहे हैं यानी कि हम वन टू थ्री और फोर इन चारों भागों की बात कर रहे हैं और ये चारों भाग ही किसमें आएंगे पुष्प सूत्र में आएंगे इन चारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि पुष्प सूत्र क्या है कैसा है कैसा बनेगा कैसा दिखेगा ठीक है ओके चलो ये चीज भी समझ में आ गई ठीक है अब इसके आधार पर सूत्र बता सकते हैं हम कि भैया सूत्र क्या है ठीक है तो अब हमको मालूम है हमने क्या देखा था अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर संरचना भी है और मादा संरचना भी है ये क्या है अरे तो व्हाइट ही कलर उठा लिया हमने ये देखो ये क्या है ये नर संरचना है ये क्या है मादा संरचना है ठीक है ये बाहर वाला क्या है बाहे दल है ये बाहे दल ठीक ये क्या है दल है ठीक है ना तो ये चारों चीजें क्या है सूत्र में आ गई है आ गई है तो यहां पर समझने वाली बात ये है कि इसमें नर और मादा दोनों दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है ये उभयलिंगी हो गया ठीक है नर अगर चलो यहीं पे हम समझ लेते हैं तो नर और मादा दोनों संरचना है यहाँ पर ठीक है हम्म नर प्लस मादा अरे मैं इंग्लिश में लिख रही हूं मादा यहाँ पर ओह नर और मादा दोनों संरचना है इसका मतलब ये हो गया आपका उभयलिंगी ठीक है उभयलिंगी हो गया तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर इसका इसका जो साइन होगा वो कैसा होगा चलो व्हाइट कलर से यहां पे साइन लिखते चलते हैं साथ में तो इसका साइन होगा इस तरीके से ठीक है ऐसे हम्म ठीक है चलो हम ये समझ गए हैं फिर अगर हम बात करते हैं देखो इसमें कि अगर हम इसके दल पे आते हैं ठीक है हम अगर इसके दल पे आते हैं तो भैया अगर दल की बात हो रही है पहले तो बाहे दल ही समझो कि भाई बाहे दल की जब बात हो रही है तो दो बाहर हैं ठीक है थीके? दो अंदर की तरफ हैं ये बाहर वाले देखो दो हैं ये दो क्या है अंदर की तरफ हैं ये दोनों ठीक है और क्या है कि भाई ये स्वतंत्र है किसी से चिपकी चिपके नहीं है फ्री है ये तो इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई टू प्लस टू कैसे है कि अगर हम जब उसकी बात कर रहे हैं तो के के साथ क्या आ गया टू प्लस टू क्योंकि ये क्या है दोनों स्वतंत्र हैं जो बाहर वाले भी थे और जो अंदर वाले भी थे दोनों स्वतंत्र थे है ना ठीक है चलो अब किस यहां लिख देती हूं पहले मैं बाहे दल की जब बात की है हमने तो ये जो बाह्य दल है ये कैसी संरचना है भाई कि दो तो बाहर है ठीक है और दो क्या है अंदर है ठीक है और ये दोनों ही कैसे हैं स्वतंत्र हैं ठीक तो इसको हमने कैसे लिखा के टू प्लस टू लिखा करेक्ट चलो ठीक है यहां तक क्लियर हो गया अब अगर हम बात करते हैं भाई दल की बात करते हैं कि लो भाई ये तो नंबर वन है नंबर टू है नंबर थ्री हमारे पास क्या आ गया दल आ गया तो जब हम दल की बात कर रहे हैं तो देखो दल कितने हैं संख्या में एक दो तीन चार संख्या में चार है और ये चारों के चारों क्या है ये स्वतंत्र है फ्री है हुँ? तो यहां क्या लिखेंगे हम यहां पर ये संख्या में क्या है ये संख्या में चार है ठीक है और आपस में क्या है आपस में स्वतंत्र है स्वतंत्र है ठीक है कैसी पोजिशन कैसे उसमें ये कोरदर्शी कोर स्पर्शी कैसे है ये कोर स्पर्शी संरचना में है ये ठीक है चलो ठीक है यहां तक समझ में आ गया बोलोगे मैम ह भी कैसा बनाती है ठीक है आपस में स्वतंत्र है और कोर स्पर्शी है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई सी यानी कि क्या कोरोला और कितने हैं ये चार नंबर में है चार है हमारे पास ठीक है चलो ये समझ में आ गया अब कौन सा चलो रेड कलर उठा लेते हैं ठीक है अब हम किसकी बात करते हैं पुमंग की बात करते हैं अब हम पुमंग की बात करते हैं पुमंग क्या हमारा नर संरचना है, है यानी कि क्या है ये ठीक है तो यहाँ पुमंग गिनो कितने है? वन, हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ये ठीक है कितने हैं सिक्स है अब देखो जब इसे बाहर से देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले दो आएंगे ठीक है सबसे पहले दो आ रहे हैं फिर ये चार क्या है चार साथ में है दो बाहर की तरफ है और चार अंदर की तरफ है ठीक है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि भाई जो दो है वो कैसे है बाहर है ठीक है और जो चार है वो अंदर है ठीक है तो यहां पर क्या है भाई हम क्या लिख सकते हैं एंड्रेशियम को यहां पर एंड्रेशियम ए बना के हमने लिख दिया फोर अरे टू प्लस फोर ठीक है क्या है ये टू प्लस फोर आ गया हमारे पास ठीक है चलो अब कौन सा कलर उठाए चलो ये ले लेते हैं ठीक है चलो इसके बाद हम किसकी बात करेंगे जायांग की बात करेंगे ठीक है जब हम जायांग की बात कर रहे हैं तो देखो जायांग क्या है एक तो ये वाला हो गया ये कलर तो दिखाई भी नहीं देगा इस पे आप बोलोगे देखो एक जायांग ये वाला है एक जायांग ये वाला है मतलब नंबर वन और नंबर टू और ये दोनों क्या है एक दूसरे से पृथक हैं अलग अलग हैं ठीक है थीके? अब कलर बदल देते हैं तो जायांग क्या है भाई ये दो है नंबर में संख्या में दो है संख्या में ठीक है और क्या है पृथक है यानी कि अलग अलग है ये ठीक है ओके ना तो इसका मतलब भाई हम क्या लिख सकते हैं इसको हम जी बना के लिख सकते हैं यहां पर टू ठीक है जी बना के टू लिखेंगे और ये इस तरीके से इसके नीचे साइन आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि ये सब संरचना में क्या है बराबर है हुँ? चलो ठीक है अब ये यहाँ पे क्लियर हो गया फिर एक और चीज यहां पर आ जाएगी सिक्स नंबर पे अगर हम देखेंगे कि भाई अगर इसको दो बराबर भागों में हम काटेंगे चाहे ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो तो ये दो बराबर भागों में कट जाएगा ठीक है ये क्या होगा ये कौन सा कलर उठा दे चलो ये दो बराबर भागों में क्या होगा कट जाएगा कट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा मतलब कि क्या हो रहा है भाई ठीक है ठीक है चलो दो बराबर भागों में कट जाएगा यानी कि यहाँ पर इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं त्रिज्या सम्मिति ठीक है त्रिज्या सम्मिति दिखा सकते हैं तो यहाँ पर हमारा ये आपका फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है पुष्प सूत्र ऐसे निकाला हमने क्लियर यहां तक हाँ और यहाँ पर ये चीज और कि भाई यहाँ ये नीचे की तरफ क्यों आया क्यों हमने क्या बात करी थी कहा गया कि अं, अधोजयांगता यानी कि इसकी जो ये है मादा संरचना है वो क्या है बाहर की तरफ है इसीलिए नीचे की तरफ जी आया जी के नीचे बार आया ठीक है ये चीज ध्यान रखना तो ये हमारा पादप का पुष्प सूत्र ऐसे निकलता है ओके चलो अब आ जाओ भाई सोलेनेसी के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर सोलेनेसी के बारे में बात करें तो हमको मालूम है भाई ये क्या है ये क्या है भाई आलू फैमिली भी बोलते हैं इसको ठीक है क्या बोलते हैं आलू फैमिली भी बोलते हैं इसको पूरे विश्व में लगभग पाई जाती है हम्म चलो अगर इसकी हम कायिक अभिलक्षण को देखें तो भाई वृक्ष झाड़ी शाख मूल ग्रंथियों सहित क्या होती है मूल होती है तना इसका सीधा अथवा प्रतान होता है ठीक है और क्या है भाई न, सरल है संयुक्त तो पिचकार है एकांतर है पर्णधार है ठीक है और अनुपर्णी है जालिका शिला है इसमें ठीक है ये इसका क्या है कायिक अभिलक्षण है ठीक और इसके एग्जाम्पल्स मैं अभी बताती हूँ आगे चलते हैं पहले देखो इस तरीके से ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसको आप बहुत आराम से अपनी बुक में देख सकते हो कि जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ठीक है इसके ऊपर जो डिपेंड करता है ये जो आपका पुष्प सूत्र है इसके बेसिस पे आगे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या पुष्पी अभिलक्षणों के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो भाई जब हम पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है यहाँ पर जब हम पुष्प क्रम की बात कर रहे हैं पुष्प क्रम ठीक है इसकी बात कर रहे हैं पुष्प क्रम की तो भाई यहां पर क्या है पुष्प क्रम क्या है हमारा अच्छा सेम कलर से लिख देते हैं एकल है कक्षीय है एकल है कक्षीय है ठीक है, है और समीमाक्षी है माक्षी है ठीक है थीके? और क्या है हम्म अब अगर इसके हम पुष्प की बात करते हैं तो भाई पुष्प क्या है उभयलिंगी है यानी कि इसमें नर और मादा दोनों है पुष्प कैसा है इसका उभयलिंगी है लिंगी ठीक है पुष्प उभयलिंगी हो गया अगर कैलिकस को देखें इसके ठीक है कैलिकस को देखें अगर हम इसके तो ये कैसा है ये क्या है भाई पांच बाह्य दल है पांच बाह्य दल है इसमें ठीक है संयुक्त है ठीक है और दीर्घर दीर्घर दीर्घ स्थाई दीर्घ स्थाई दीर्घ स्थाई।, स्थाई है ये ठीक को है कोर स्पर्शी है कोर स्पर्शी ठीक है और क्या है ये पुष्प दल विन्यास है यहाँ पर पुष्प दल विन्यास ठीक है कैसे यहाँ देख सकते हो भाई पांच बाह्य दल हैं ठीक है पांच बाह्य दल है संयुक्त है, है दीर्घ स्थाई है ठीक है दीर्घ स्थाई है कोर स्पर्शी है पुष्प ठीक है और दल विन्यास है यहां पर चलो आगे बढ़ते हैं कैलिकस के बारे में देख लिया अब किसके बारे में देखते हैं अब हम बात करते हैं कोरोला के बारे में ठीक है कोरोला के बारे में अब बात करते हैं लो भाई तो बताओ इसका कोरोला कैसा है जल्दी बताओ कोरोला कैसा है इसका तो कोरोला कैसा है भाई तो पांच दल है संयुक्त है ठीक है पांच दल है संयुक्त है और बताओ कैसा है यहां पर पांच दल है संयुक्त है कोर स्पर्शी है और पुष्प दल विन्यास है ठीक है कोर स्पर्शी ठीक और क्या है पुष्प दल विन्यास यहाँ पर मौजूद है भाई चलो ठीक है समझ में आ गया अब कोरोला के बाद अब किसकी बात करोगे अब भाई अगर हम पुमंग की बात करते हैं तो पुमंग कैसा है यहां पर हम्म लो देखो पुमंग बताओ कैसे हैं यहाँ पर तो पुमंग क्या है भाई पांच पुंकेसर है और दल लग्न है देखो पांच पुंकेसर है और दल लग्न है ठीक है पांच पुंकेसर है और ये क्या है दल लग्न है यानी कि दल के साथ लग्न है ये ठीक है पांच पुंकेसर है यानी कि और दल लग्न है ठीक है चलो अब कौन सा कलर उठाया जाए ये वाला चलो अब जयांग की बात करते हैं ठीक है अगर आप जायांग की बात करोगे तो बताओ जायांग कैसा है ये देखो जायांग कैसा है यहां पर बताओ जायांग कैसा है यहाँ पर जल्दी बताओ जल्दी तो जायांग भाई आपका द्वि अंड पी है युक्तांडी है, है नंड युक्तांड पी ठीक है और क्या है कौन बताएगा फटाफट से बताओ और, और क्या क्या चीजें हैं इसमें ठीक है तिरछी अंडाशय है इसमें देखो तिरछा है ना अंडाशय दिख रहा है तिरछा अंडाशय है तिरछा अंडाशय है उर्धवर्ती है तिरछा अंडाशय ठीक है और क्या बताया मैंने हाँ तिरछा अंडाशय है और क्या है भाई उर्धवर्ती है उर्धवर्ती हम्म यहां लिख देते हैं चलो कहा लिखे अगले पेज पे लिखे क्या अब तो जगह भी नहीं बची उर्द वावर्ती उर्द वावर्ती ठीक है उर्द वावर्ती है ठीक है उसके बाद क्या है भाई हम्म फिर है द्विकोष्ठी है ना फिर क्या है द्विकोष्ठी है और बी जो बीजांडासन है फूला हुआ है द्वि कोष्ठी ठीक है अब आगे लिख देते हैं और जो बीजांडासन है बीजांडासन यानी जो बीजांड का आसन है वो कैसा है फूला हुआ है फूला हुआ है ठीक है जो बीजांड का आसन है वो क्या है फूला हुआ है और क्या है इसमें भाई जिसमें क्या है बहुत सारे जिसमें क्या है बहुत सारे बीजांड हैं बहुत सारे क्या है बीजांड है ठीक है जिसमें क्या है बहुत सारे बीजांड है ठीक है चलो इसके बाद क्या बात करेंगे हम भाई इसके बाद अगर इसका फल देखते हैं बताओ फल कैसा है इसका जल्दी ये देखो बताओ यहाँ पर अगर हम फल की बात करते हैं तो फल कैसा है ठीक है ये क्या है संपुट है अथवा सरस है संपुट अथवा सरस है चलो ठीक है फल के बारे में बात हो गई अब किसके बारे में बात करेंगे अब अगर इसके बीज के बारे में हम बात करेंगे लो भाई बीज के बारे में भी बात कर लेते हैं तो बीज कैसा है इसका बताओ ये देखो बीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बीज कैसा है भ्रूण पोषी है और अनेक है भ्रूण पोषी है और अनेक है ठीक है तो ये क्या हो गया ये सब इसके क्या है ये सब इसके क्या है पुष्प के अभिलक्षण है ठीक है ये सब क्या है पुष्प के अभिलक्षण है ठीक है यहां तक क्लियर सबको ये सारी चीजें क्या है देखो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है ठीक है आप वहां पे भी आराम से देख सकते थे लेकिन यहाँ पे एक एक शब्द इसलिए बताया गया है साथ साथ बोलोगे तो याद रहेगा नहीं बोलोगे तो नहीं याद रहेगा ठीक चलो अब आगे एक और चीज देख लेते हैं क्या देखेंगे अब आप कहोगे तो हम क्या करते हैं भाई इसका आर्थिक महत्व देख लेते हैं लास्ट में बचा हुआ आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो आर्थिक महत्व की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसको किस किस चीज में यूज कर सकते हैं हम भोजन में यूज कर सकते हो आप भोजन के रूप में कौन कौन आता है भाई टमाटर हो गया बैंगन हो गया ठीक है और आलू तो है ही ठीक है टमाटर बैंगन आलू है ना ये चीजें हो गई हैं इससे ना टमाटर बैंगन आलू बोलते बोलते वो एक, एक वो नहीं चला था वीडियो था कि आलू लो बैंगन लो करके जो था वो मुझे याद आ गया टमाटर आलू बैंगन बोलते बोलते ठीक है चलो उसके बाद भाई औषधि की अगर हम बात करते हैं तो भाई औषधि में अश्वगंधा आ जाएगा इसके साथ ठीक है औषधि की अगर बात हो रही है औषधि की तो यहाँ क्या गया? आ गया अश्वगंधा अश्वगंधा ठीक है अश्वगंधा आ गया औषधि की अगर हम बात कर रहे हैं फिर क्या आ जाएगा हमारे पास इसके अलावा और कौन रह रहेगा इसके भाई इसके अलावा हम और क्या बोल सकते हैं जल्दी बताओ क्या बोल सकते हो इसके अलावा आप सब और किस किस चीज में इसका उपयोग हो जाएगा आ... और किस चीज में हो जाएगा भाई धूमक के रूप में धूमक तो है तंबाकू ठीक है तंबाकू हो गया फिर सात सज्जा वाले पौधे भी तो होते हैं है ना जिनसे हम सजाते हैं सजावटी पौधे ठीक है सजावटी पौधों की भी तो बात हो रही है तो कौन से हो गए भाई वो वो हो गए आपके पिटूनिया इसका पिटूनिया एग्जाम्पल हो गया तो ये सब क्या था भाई ये सब हमारा पुष्प अभिलक्षण पढ़ लिया हमने कायिक अभिलक्षण पढ़े पुष्प अभिलक्षण पढ़ा फिर अब आर्थिक महत्व देख लिया ठीक है और इसी के साथ थैंक यू हो गया <laughs> और इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म भी हो गया ठीक है तो कमेंट्स में जरूर बताना भाई कि आप लोगों को आज का लेक्चर कैसा लगा ठीक है पूरी कोशिश की जाती है कि आपको शॉर्ट में अच्छे से मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्पी तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाए ठीक है और क्या है टेलीग्राम के लिए आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा लेकिन आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो फिर बोलोगे मैम पीडीएफ नहीं मिला है कहाँ से मिलेगा जब ज्वाइन नहीं करोगे तो और देखो ये पुष्प सूत्र जो है ना इसको अच्छे से समझ लेना नहीं समझ में आएगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी अभी समझ में नहीं आया है एक बार लिंक को दोबारा ओपन करके समझ लेना यकीन मान लो बिल्कुल समझ में आ जाएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा बिल्कुल भी टफ नहीं है ठीक है जो चार भागों में हम एक पुष्प को डिवाइड करते हैं विभाजित करते हैं उन चार भागों के हिसाब से ही उसका सूत्र बनता है यानी कि फॉर्मूला बनता है साइन बहुत ईजी है बहुत अच्छे से अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे और क्लास अगर बिल्कुल अटेंटिवली देखी होगी ना बिल्कुल एकदम एक तक लगा के देखी होगी बिल्कुल बात नहीं करी होगी तो अभी समझ में आ गया होगा ठीक है चलो फिर बच्चा लोग आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए अच्छे से रहिए खुश रहिए अपना ख्याल रखिए लेकिन आपको पढ़ाई भी करनी है साथ साथ पढ़ाई नहीं भूलनी है ठीक है बाय बाय